जिस वक्त रेडी होते हुए और बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्शन लश्करीन ग्राउंड इस वक्त रेडी है दोनों टीम्स और कुछ ही देर में यहाँ पर खेल का आगाज़ होगा आज के दिन भी नामी ग्रामी सुपरस्टार्स स्टार्स आपको यहाँ पर खेलते हुए नज़र आएंगे और कुछ ओवरसीज़ प्लेयर्स भी हैं उनके बारे में भी हम आगे जा के तस्करा करेंगे वो आज यहाँ पर अपने खेल के जलवे दिखाएंगे रावलपिंडी की आवाम को मार्को चैम्पियंस लीग मार्को रमज़ान कप 2023 और कश्मीर किंग्स के जेर एहतम ये तमाम तर इवेंट यहाँ पर जारी सारी राजा मदीन एंड कंपनी ये अंपायर्स आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी हैं और कुछ ही देर में खेल का आगाज़ हो जाएगा मार्को रमज़ान कप 2023 और इस वक्त सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं और ये तमाशाई भी देख सकते हैं जोक दर जोक इस वक्त बल्लेबाज के बिल्कुल आप में देख सकते हैं तमाशाइयों की एक बड़ी तादाद ग्राउंड का रुख करते हुए बल्लेबाज रेडी हैं और कुछ ही देर में आज के दिन का पहला बॉल यहाँ पर डिलीवर किया जाएगा फारेन से इस वक्त दौलत जादरान इनका ताल्लुक़ अफगानिस्तान से है और दौलत जादरान के हवाले से बताते चले कि इन्होंने अफगानिस्तान के लिए अपना डेब्यू कनेडा के खिलाफ किया था 2011 में और आखिरी मैच 2019 जुलाई में इन्होंने विंडीज़ के खिलाफ खेला बयासी ओ डी में 115 विकेट्स लिए दौलत जादरान ने और चौंतीस मैचेस में टी ट्वेंटी में चालीस विकेट्स लिए और अब क्योंकि अफगानिस्तान के पास पेस बैटरी काफ़ी हद तक इंप्रूव हो चुकी है तो दौलत दादरान भी कम करने में थोड़ा सा इनको मुश्किल हो रही है पाकिस्तान में भी इन्होंने अपनी क्रिकेट खेली और इसी वजह से पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में इस वक्त आपको नज़र आते हुए दौलत दादरान और यहाँ पर पहला बॉल होने को जा रहा है दौलत दादरान तैयार हैं और यासिर खान छिहत्तर नंबर की जर्सी पहने इस वक्त स्ट्राइक गेंट पर मौजूद हैं और उनका साथ दे रहे हैं अवैध जया फ्राम चकवाल फर्स्ट डिलीवरी अच्छा बॉल था बेहतरीन डिलीवरी थी और आगाज़ बड़ा बेहतरीन है कल के दिन हमने देखा स्टैंड अच्छे खासे रन समय यहाँ पर बनते हुए दिखाई दिए और आज पिच का क्या बिहेवियर होगा ये देखना बाकी है यासिर खान कोयटा की जानब से इन्होंने कुछ मैचेस खेले पी में लेकिन कोई हौसला अफज़ा इनकी परफॉर्मेंस नहीं रही आज देखते हैं यहाँ पर कैसा खेलते हैं इनके बारे में बड़ा सुना है और बड़ा नाम कमाया उन्होंने कम वक्त में लीग क्रिकेट में और पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में लेकिन दौलत जादरान का सामना करना भी कोई आसान नहीं और ब्रिलियंट अच्छा सीम मिल रहा है बॉल अच्छा खासा पढ़ने के बाद बाहर की जारी मूव हुआ आउट स्विंग किया था इस बार रे दौलत जादरान ने अच्छी लाइन पे यह बॉल किया था और रे डिलीवरी हमें डॉट डिलीवरी देखने को मिली है दौलत जादरान की जानब से अच्छी लाइन पर रहे पहले दो बाल किए हैं दौलत जादरान ने बड़ी शानदार और बड़ी बेहतरीन लाइन लेंथ है दौलत जादरान की जानब से रमज़ान कप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का एक सनसरी खेज मुकाबला जिसका आगाज़ यहाँ पर हो चुका है अयूब नेशनल पार्क रावलपिंडी में तीसरा बॉल यहाँ पर होने को जा रहा है एक और उमदा डिलीवरी एक और बेहतरीन डिलीवरी दौलत जादरान की जानब से पहले तीनों बालें समझे बाहरें यासिर खान की जी हाँ यहाँ पर सी मिल रहा है दौलत दादरान को और जिस तरह का इंटरनेशनल एक्सपोजर मौजूद है दौलत दादरान के पास मैं समझता हूँ कि इनको खेलना जान जोखू का काम है ध्यान से खेलना होगा यासिर खान ठीक कर रहे हैं आगाज़ में थोड़ा सा ध्यान से देखभाल के खेलना होगा इन लाइट्स ऑफ दौलत दादरान क्योंकि दौलत जादरान जब भी आएंगे तो कुछ करने की कोशिश करेंगे बल्लेबाज को तंग करेंगे तीन बॉल डाट करवा चुके हैं दौलत अगेन ये बॉल थोड़ा सा बल्लेबाज की रेंज में था और इसको धकेला है मिड विकेट के ऊपर फील्डर मौजूद अच्छी फील्डिंग का मुजाह आज कमाल फील्डिंग चौथी बॉल पर यहाँ पर हमें देखने को मिली और कुछ रन ज़रूर मिलेंगे लेकिन फील्डिंग का मैार आज कदर बेहतर लग रहा है जी हाँ बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा शानदार ये शॉट था यासिर खान का और स्क्वर लेग के फील्डर ने यकीनी तौर पर दो रन्स बचाए अपनी टीम के लिए अकाउंट ओपन हो चुका है इस वक्त पंजाब लाइन्स की टीम का और यासिर खान ने भी अपना खाता खोला है इस बड़े मैच में दौलत जादरान अपने ओवर का पाँचवा बॉल करने के लिए इस वक्त यार है इस बार यहाँ पर बल्ला जरूर घुमाया था लेकिन विकेट कीपर ने इस बॉल को कलेक्ट नहीं किया बाय का ये चौका आएगा पंजाब लाइन्स की टीम के पास यह इस चौके को रोका जा सकता था ये रिप्ले आप देख सकते हैं और फुटबॉलर की तरह बॉल जब करीब से गुजरी तो उसको रोकने की कोशिश की गई विकेट कीपर की जानब से ये अच्छी कोशिश नहीं थी विकेट कीपर की जानब से और रुक सकता था ये बॉल दौलत ज्यादर रहे बड़ी अच्छी लाइन पे बॉलिंग कर रहे हैं लेकिन लास्ट बॉल पर रहे किस्मत उनके साथ नहीं थी छः स्कोर हो चुका इस वक्त पंजाब लाइन्स का मारखुर रमज़ान कप 2023 का एक शानदार मैच दो बेहतरीन टीमों के दरमियान दौलत जादरान यासिर खान बिल्कुल तैयार अभी तक अच्छी बॉलिंग करवाई दौलत ने यह बॉल यहाँ पर फील्डर के महफूज हाथों में पहुंचा किसी रन का कोई इजाफा नहीं बल्लेबाज की रीच में था टाइम करने में कामयाब हुए प्लेसमेंट नहीं थी उस तरह की दौलत ज़ादरान थोड़े से एक ओवर के खितम पर छह रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के ने वाले बॉलर इस वक्त इलियास दूसरे अवर का यहां पर आगाज होने को जा रहा है और हसन जमाल फेस करेंगे यहां पर इलियास को का पहला बॉल बड़ा अच्छा बॉल था और अपील की थी यहां पर अंपायर को लेकिन अंपायर ने नफी में सर हिलाया लैग बाय का एक रन आएगा अच्छा नबत आगाज हो चुका है इस्लामाबाद हॉक्स की जानिब से इस वक्त तक सिवाय एक विकेट कीपर की गल, गलती के अच्छा यहाँ पर फील्डिंग भी अच्छी देखने को मिली उसके बाद दौलत जादरान ने अच्छा आगाज़ किया और अगर इसी तरह बॉलिंग करवाते रहेंगे तो तब भी कंटेन कर सकते हैं बैटिंग टीम को हमने कल भी देखा कल यहाँ पर एक हाई स्कोरिंग मैच हुआ दो सौ पैंतालीस चेज हुए कश्मीर किंग्स की जानब से सो इस ग्राउंड पर रन लगते हैं इस पिच पर रन लगते हैं सो जितना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे इतना ज़्यादा बेहतर रहेगा बॉलिंग साइड के लिए डाउन द लेग साइड कमाल की विकेट कीपिंग इस वक्त यकीनी तौर पर चार रन्स अपनी टीम के लिए बचाए बड़ी शानदार एफर्ट थी आउट क्लास एफट थी और सौ मार्क्स देंगे विकेट कीपर को इस एफर्ट पर वाइट बॉल के यहाँ पर कॉल अंपायर की जानिब से दैट्स नॉट अ गुड डिलीवरी इलियास ये बॉल उन्होंने अच्छा नहीं किया अच्छी लाइन पे ये बॉल नहीं था इलियास की जानिब से ये विकेट कीपर जिन्होंने शानदार विकेट कीपिंग की सद्दाम खान और कलाइयों के सहारे से खेला दिलकश अंदाज में बॉल को पहुंचाया बॉडी लाइन से बाहर एक चक्का यासिर खान के बल्ले से पहला शानदार छक्का लगाने में कामयाब यासिर खान बेहतरीन ये शॉट था और बहुत जल्दी लाल को भांप लिया था यासिर खान ने पहला छक्का इस टूर्नामेंट में यासिर खान के बल्ले से यह खराब गेंद गेंदबाजी जब होगी तो इसी तरह उस पर कैप्टलाइज करना होगा और जब जब बॉलर खराब लाइन पे बॉल करे उस पर कैपिटलाइज करें तो प्रेशर आ जाता है बॉलर पे अब देखते हैं कैसा कम करते हैं इलियास डैट इज अ गुड डिलीवरी अपील की जा रही है थोड़ा सा लेग साइड पे था बॉल और इसी वजह से अंपायर भी यहाँ पर रजामंदी का उन्होंने इजहार नहीं किया इलियास के साथ ये अच्छी वापसी है इलियास की जानब से और लाइन टू लाइन अगर बॉल करेंगे तो उन्हें कामयाबी मिलेगी और अपील काफ़ी ज़ोरदार थी लेकिन अंपायर मुतमिन नहीं थे नॉट आउट करार दिया यासर खान को बड़े एग्रेसिव बैट्समैन यासिर खान जिन्होंने अपना टी ट्वेंटी डेब्यू किया था खैबर पखतूनखा की तरफ से 13 मार्च 2022 को पाकिस्तान कप में इस बार यहां पर अच्छी डिलीवरी थी अच्छी लाइन थी इलियास की जानब से बड़ा अच्छा वापसी हुई है यहाँ पर इलियास की जानब से बाउंड्री खाने के बाद जी हाँ जितनी अच्छी बॉलिंग करवाएंगे उतनी जल्दी वापसी होगी और आपने देखा था वेवर डिलीवरी थी उस पर कम्प्लीटली कैपिटलाइज किया और यासर खान इस तरह के प्लेयर हैं कि आपको ख़राब गेंद पे बिल्कुल नहीं बख्शेंगे कोयटा ग्लैडिएटर की जानब से खेल चुके हैं आल तो कि वहाँ पर सला अफजा आगाज नहीं कर सके अपनी पी एस एल कैंपेन का यासिर खान इलियास अगेन डाउन द लेग साइड कुछ एक्स्ट्रा ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त इलियास खान वाइड बॉल यहां पर अंपायर की कॉल है और अच्छी लाइन नहीं थी इलियास की जानव से यासिर खान एग्रेसिव बैट्समैन है और बड़े शॉट्स खेलना पसंद करते हैं पावर प्ले है और उसका भरपूर फायदा उठाना चाहेंगे यासिर खान पंजाब लाइन्स के ये मुस्त और मंजे हुए बल्लेबाज यासिर खान इस वक्त स्ट्राइक पर मौजूद हैं इलियास खान यहाँ पर थे आ रहे हैं ने क्रिकेट की एक बड़ी तादाद आज ऐब नेशनल पार्क पे मौजूद है इस बार यहाँ पर अच्छा बॉल था गेंद यहाँ पर फील्डर के महफूज हाथों में गई किसी रस का यहाँ पर इजाफा नहीं ये अच्छी लाइन है अगर इस लाइन को हिट करेंगे तो कामयाबी भी मिल सकती है इलियास को जहाँ ज़ुबैर जहाँ जहाँ पर आपने फील्डर्स तैनात किए हों अगर वहीं पर आप अपनी बॉल को डिलीवर करेंगे प्लें एग्जीक्यूट करेंगे तो इसी तरह के रिज़ल्ट मिलेंगे और जब ख़राब गेंदबाजी करेंगे आपको आगे से बाउंड्रीज लगेंगी लेकिन अच्छा कम बैक यहाँ पर इलियास की जानब से एक छक्का खाने के बाद सिर्फ हम देखा जाए इस टाइम लाइन पे तो आपको एक वाइट बॉल नजर आती है व्हाट अ उमदा और, और, और शानदार हमें स्ट्रोक देखने को मिला यासिर खान के बल्ले से स्क्वेयर लेग की पोजिशन पर चार रंस लगाने में कामयाब रहे और पैट्स पर यह बॉल किया था और शानदार यहां पर टाइम किया इस बॉल को गेंदे एक टिप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन से बाहर गई दो ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका 19 बगैर किसी नुकसान के दौलत जादरान एक दफ़ा फिर दूसरा ओवर लेके आए अपनी टीम के लिए हसनैन जमील हसनैन जमाल बैगी पहाड़न उनका सामना करेंगे हसनैन जमाल इस वक्त रेडी और हसनैन जमाल से आमिर जमाल की याद ज़रूर आई होगी आपको जुबैर बिल्कुल ऐसे ही है और हसनैन लिया इस वक्त मेरे साथ मौजूद है <laughs> हाँ हसनैन की भी याद आ सकती है अभी तक एक बॉल खेली कोई रन नहीं बनाया और तमाम तम नजरें हसन जमाल पर अच्छा बॉल परफेक्ट डिलीवरी पढ़ने के बाद थोड़ा सा बाहर की जानी मूव हुआ सीधा पहुंचा सदाब खान के महफूजात हूँ किसी रन का कोई इजाफा नहीं बड़ी अच्छी लाइन पे हमें बॉलिंग देखने को मिल रही है जादरान की जानब से पहले ओवर में भी इन्होंने अच्छी लाइन को हिट किया हालांकि कामयाबी ना मिली लेकिन दो रन का सिर्फ ओवर किया था जादरान ने बड़ी अच्छी और नपी तुली बॉलिंग हमें देखने को मिल रही है जादरान की जानव से पंजाब लाइन्स के बल्लेबाज हसनैन जमाल को यहां पर मोहतात अंदाज में बैटिंग करनी पड़ेगी जादरान के सामने सेकेंड डिलीवरी ऑफ इस बार बल्ला जरूर घुमाया था लेकिन बैट और बॉल का कोई कनेक्शन नहीं था आई थिंक पहले अपना माइंड बना चुके थे और थोड़ा सा पीछे जाके खेलना चाहते थे रूम दिया आपने आप को लेकिन दौलत जादरान थोड़े से इंटेलिजेंट बॉलर हैं थोड़े से नहीं बल्कि ज़्यादा और ये देखें पाम के बल्लेबाज को और बॉल कहाँ सर कहाँ बल्ला कहाँ कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहे हैं हसन जमाल जी हाँ दौलत जादरान की अगर कैरियर की बात की जाए इन्होंने अफगानिस्तान के लिए बयासी मैचेस खेले अच्छा यहाँ पर बॉल किया था इस बार एक बार फिर से सॉफ्ट हैंड के साथ ये बॉल खेला हसन जमाल ने गेंद गई पॉइंट के फील्डर के पास अच्छी वेरिएशन देखने को मिल रही हैं जादरान की जानब से अंडर प्रेशर हैं हसनैन जमाल यंगस्टर हैं कुछ करके दिखाना चाहते हैं और अभी तक चार गेंदों का सामना किया अपना खाता नहीं खोल सके मारखोड़ रमज़ान कप में हसनैन जमाल पंजाब लाइन्स की जानब से आज पंजाब लाइन्स में हमायू फर्द की कमी महसूस होगी कदमों का इस्तेमाल किया था लेकिन इस वक्त स्टंप्स उड़ाते हुए दौलतान और कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहे थे हसनैन जमाल और वही करते हुए अपनी विकेट गवा बैठे जी हाँ दबाव का शिकार थे हस्तैन जमाल और आगे आए थे जरूर लेकिन स्टंप्स को यहाँ पर उखाड़ दिया बेल्स यहाँ पर गिरा दी दोलजादरान ने पहली कामयाबी यहां पर दिलवाने में कामयाब इस्लामाबाद हॉक्स की टीम को फर्स्ट विकेट गोस डाउन ऑफ पंजाब लाइन्स अस्टैन जमाल आउट होकर जा रहे हैं पवेलियन में बगैर खाता खोले इट्स अ गोल्डन डक दो शारिया चार ओवर्स के बाद उन्नीस पे एक शावेज़ इरफान आए हैं इस वक्त बल्लेबाजी के जोर दिखाने के लिए शावेज़ इरफान जिनको अपने पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर की जानब से देखा था इन्होंने पिशावर जलमी के ख़िलाफ़ अपना डेब्यू किया लेकिन डेब्यू में छः गेंदों का सामना किया बगैर रन बनाए आउट हुए थे हौसला अफजा डेब्यू नहीं था शावेज़ इरफान की जानब से अब सामना इनको दौलत जादरान का और स्टाइलिश अंदाज में खेला है फील्डर मौजूद थे फाइनल के ऊपर एक रन का इजाफा मौजूद है शावे में अकाउंट यहाँ पर ओपन हो चुका है शावेज इरफान का और अब स्ट्राइक आ गया यासिर खान के पास यासिर खान अगर विकेट पर रहे तो इसका बाद हाउस के बॉलर्स को मुश्किल होंगी अब तक बड़ा अच्छा खेल रहे हैं यासिर खान पंजाब लाइन्स के लिए दौलतान ने सिर्फ तीन रन दिए उनके दूसरे ओवर का आखिरी बॉल होने को जा रहा है शाइकी ने क्रिकेट की आज भी एक बड़ी तादाद हमारे साथ मौजूद है नेशनल यू पार्क में यासिर इस वक्त बारह रंस बनाकर विकेट पर मौजूद हैं तो तोरान यहां पर रीलोड करना पड़ेगा ये माल ने जी हाँ थोड़ा सा अपना रन अप भूले हैं दौलत जादरान बड़ी इंटेलिजेंट बॉलिंग करवा रही हैं आप देख सकते हैं पंजाब लाइन्स की जानेब से यासर ने बारह रन्स बनाए हैं विकेट पर मौजूद हैं और तारीफ करनी होगी दौलत जादरान की अभी तक एक इशारिया पाँच गेंदें करवाई हैं और तीन रन्स के एक विकेट अपने नाम की स्टार अफगानी प्लेयर ने इस बार यहां पर उठाकर खेला फील्डर मौजूद हैं और गेंद फील्डर के हाथ में गई एक और बड़ी विकेट इस बार यासिर खान को भेजा है पवेलियन दूसरी बड़ी कामयाबी दिलवाई अपनी टीम को ने जी हाँ थोड़ा सा जल्दी कर गए यासिर खान दायरे को चीरने की कोशिश कर रहे थे उसमें कामयाब लेकिन फाइनल द फील्डर और यासिर खान जो कि सेट नजर आ रहे थे बारह रन बनाने के बाद वापिस अपने खेमे में जाते हुए नाने वाले बैट्समैन इस वक्त अली पंजाब लाइन्स की जानब से बीस मजमू स्कोर है इस वक्त पंजाब लाइन्स का और दो विकटें यहाँ पर खो चुकी है पंजाब लाइन्स की टीम शावेज़ इरफान का आज टेस्ट होगा लाहौर के लाहौर के अंदर के पी डी पी प्रोग्राम से ये सामने आए थे और आज एक मुश्किल वक्त में यहाँ पर उन्हें अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा पंजाब लाइन्स के लिए जी हाँ ओपनर राजू आउट हो चुके हैं प्रेशर शावेज़ इरफान पे आ चुका है और हमने देखा था पहले मैच में शावेज़ इरफान बहुत अच्छा खेले थे और बड़े खूबसूरत अंदाज में इनिंग्स को बिल्ड किया था इनका भरपूर साथ दिया था शाहरुख चंद ने सो शाहरुख शाहरुख आज भी टीम में मौजूद हैं और वो बैकन में आ कर रिजिस्ट कर सकते हैं पहला यहाँ पर बॉल होने को जा रहा है लेफ्ट आर्म स्पिनर पहला बॉल डॉट बॉल कर डॉट बॉल करने में कामयाब रहे शाफेज विकेट पर मौजूद इस बार लोफुल टास्ट बॉल था उठाकर खेले लेकिन फील्डर यहां पर मौजूद है सिर्फ एक रन का यहां पर इजाफा स्पिन अटैक को लाया गया और शाहरुख आए हैं शाहरुख उस दिन भी अच्छा खेले थे शाहरुख अली चंद और राज यहां पर शाहरुख और शावेज़ इरफान पे काफी जिम्मेदारियां होंगी शाहरुख अली चंद अपने इनिंग्स की पहली बॉल यहां पर फेस करेंगे लेफ्ट आर्म स्पिनर को यहां पर बुलाया गया कप्तान की जानब से और डिलीवरी अच्छा बॉल था जबरदस्त डिलीवरी थी और गेंद पड़ने के बाद हल्का सा बाहर गया टर्न हुआ ये दैट्स अ गुड डिलीवरी अच्छी कप्तानी यहाँ पर एकदम से दौलत जादरान ने जब प्रेशर बिल्ड कियादुल्ला को यहाँ पर लाया गया है और शाहरुख के लिए अब इम्तहान होगा पहले ओवर्स में स्पिनर को खेलना और उस दिन इन्होंने बॉलिंग भी कमाल की थी बैटिंग भी कमाल की थी और बड़े ध्यान से खेले फील्डर के महफूज हाथों में किसी रन को कोई इजाफा नहीं स्लिप लेने का फैसला अच्छा है कप्तान की जानब से और दो विकटें ऊपर से गिर चुकी हैं इस वक्त पंजाब लाइन्स की एक और विकेट की तलाश में इस बार यहाँ पर पुश किया इस बॉल को आसानी के साथ सिर्फ एक रन का यहाँ पर इजाफा शाहरुख अली चंद जिन्होंने पहले मैच में बड़ी अच्छी और बड़ी शानदार इनिंग्स खेली थी पंजाब लाइन्स के लिए यह अब बड़ा अच्छा है अब तक असदुल्ला का इस्लामाबाद हॉक्स के टीम के लिए असद ये बॉल भी यहाँ पर अच्छा करवाने में कामयाब हालांकि कैपिटलाइज़ नहीं कर सके शाहरुख अली चंद चार ओवरस के बाद बाइस पे दो मौजूदा पार्टनरशिप है वो अभी सिर्फ दो रन की हुई और प्रेशर होगा जुबैर यहाँ पर शाहरुख और इरफान पे और दूसरे एंड से भी अब स्पिनर को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। पहला बॉल बड़ा अच्छा बड़ा बेहतरीन और किसी रन का इजाफा ना हो पाया तो डॉट डिलीवरी के साथ आगाज है बड़ी अच्छी कप्तानी हमें देखने को मिल रही है इस वक्त इस्लामाबाद हॉक्स के कप्तान की जानब से और जानते हैं कि दोनों राइट हैंडर इस वक्त विकेट पर मौजूद हैं और लेफ्ट आर्म स्पिनर कामयाबी दिलवा सकता है तो इसीलिए स्पिनर से बॉलिंग करवा रहे हैं शुरू के में खुरम शहजाद ये बॉल इतना अच्छा नहीं था लेकिन बड़ा बुरा खेले और इस पर कुछ भी हो सकता था काफ़ी टाइम मिला था शाहरुख अली चंद इस वक्त विकेट पर मौजूद है पंजाब लाइन्स की जानब से महताद अंदाज मैंने खेलना है अपनी टीम के लिए इस मुश्किल वक्त में और दैट्स अ गुड डिलीवरी इस बार अच्छा बॉल था बॉल पढ़ने के बाद लो रहा कैट करना चाह रहे थे इस बॉल को तीन बॉलें यहाँ पर अपनी कंप्लीट कर चुके हैं खुरम शहजाद लेफ्ट आर्म स्पिनर इस्लामाबाद हॉक्स की जानब से और ये देखें बॉल लो रहा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे शाहरुख अली चंद अच्छा यहाँ पर बॉल था एक और डॉट डिलीवरी खुरम शहजाद यहाँ पर करने में कामयाब रहे बहुत ही ध्यान से खेल रहे हैं शाहरुख भी और इरफान भी और उस दिन जो इन्होंने रन्स बनाए थे वो पेस अटैक के खिलाफ बनाए थे और अच्छी स्ट्रेटजी यहाँ पर कैप्टन की जानब से और जब टॉस पे बात हुई तो ये 160 सौ साठ बोर्ड पे लगाना चाहते थे लेकिन जिस रफ्तार से अभी रन बना रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा एक सौ साठ सत्तर रन बनाना उसका एक्सेट करना होगा और आप ये देखना होगा यहाँ पर यह बॉल बड़ा अच्छा था बड़ी बेहतरीन डिलीवरी थी खुरम शहजाद की जानब से और विकेट कीपर ने इस बॉल को कलेक्ट नहीं किया था एक्साइटमेंट थोड़ी सी नजर जरूर आई थी हमें खुरम शहजाद की जानब से इस ओवर का आखिरी बॉल दैट्स अ ब्रिलियंट अवर एंड एक्सिलेंट बॉलिंग फ्राम खुरम शहजाद इट्स अ मेडन फ्राम खुरम शहजाद और प्रेशर माउंट करते हुए पंजाब लाइन्स की टीम में इस्लामाबाद हॉक्स पंजाब लाइन्स आफ्टर फाइव ट्वेंटी टू फो टू बहुत शुक्रिया हस्तैन इस वक्त पंजाब लाइंस का आगाज़ कुछ अच्छा नहीं है और पहले पाँच ओवर्स में बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया है दौलत जजरान और फिर हमने देखा कि बैटर्स के लिए मुश्किल हो रही हैं आज इस पिच पर ये पहला मैच है जो पहले दो मैचेस हुए हैं वो इस, इसके साइड वाली पिच पर हुए थे शाहरुख चंद तस्करा करते हैं हम ये एक पाकिस्तान के लेजेंड कॉमेडियन अमानत चंद के फर्जंद हैं जी हां। और यहाँ पर अपील की जा रही है एक जोरदार अपील लेकिन अंपायर का तो सर दफ़ी में हिलेगा थोड़ा सा डाउन द लेग साइड का और स्पीच आप फंसते हुए यहाँ पर शाहरुख अली और शाबेद इरफान और आपको पता कि शाबेद इरफान ने लाहौर का लदर की जानिब से ओपनिंग की थी और ये पेस अटैक के खिलाफ खेलना थोड़ा सा ज्यादा पसंद करते हैं इसके तरफ से और डाउन द ट्रैक अब देखना ये है कि विकेट कीपर थोड़ा सा देर कर दी थी विकेट कीपर ने शाहरुख चन ऐसा नजर आ रहा है कि वो कॉन्फिडेंट हैं अब थर्ड अंपायर की तरफ ये फैसला गया है यहां पर दबाव था शाहरुख चंद पर कई डॉट डिलीवरीज़ खेली और इस दफ़ा हमला करने के लिए निकले थे सवाल पूछने गए थे लेकिन यहाँ पर जवाब देना पड़ गया शाहरुख को जी हाँ दुरुस्त कहा आपने और ये देखे ओ कलेक्ट नहीं कर सके बर वक्त इट्स अ क्लोज कॉल लाइन बिलोंग्स टू अंपायर और ये अंपायर को डिसाइड करना होगा कि आसिफ आप क्या समझते हैं बड़ा ही क्लोज़ डिसीजन देखिए मेरे अगर आप मुझसे पूछिए अगर मैं थर्ड अम्पायर होता तो शायद मैं ये आउट देता क्योंकि ये उनका जो आ, बूट है वो इस पॉपिंग क्रीज से बाद में टकराया है पहले जो है वो स्टम्प्स को बॉल लग चुकी थी अच्छा कलेक्ट किया विकेट कीपर ने फंबल ज़रूर किया था बट और लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये है कि क्या गेंद जो है वो उनके ग्लव्स में थी या नहीं सो मेरा ख्याल ये कि शाहरुख चंद के ऊपर किस्मत की देवी मेहरबान होगी जी हाँ और गेंद उनके हाथ में नजर नहीं आ रहा ये अंपायर के लिए एक सफिशेंट एविडेंस है बहुत ही हैरान कन है मेरे लिए और हसनैन आपके लिए भी कि अगर अंपायर ने इसको आउट करार दिया है तो फिर यकीनी तौर पर बदकस्मती होगी शाहरुख की और वो खुद भी शायद इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं कर पा रहे शाहरुख जो आज दुबाओ में थे पिछले मैच में एक अच्छी इनिंग्स खेली अब बोझल कदमों के साथ वापस जाते हुए यहाँ पर एक और विकेट गिर गई पिशावर लाइन्स की तेईस तीन खिलाड़ियों के नुकसान पर विकेट्स यहाँ पर गवाते हुए पंजाब लाइन्स की टीम और मुजमिल आ चुके हैं बल्लेबाजी के जोर दिखाने के लिए मुश्किल हालात होंगे मुजमिल के लिए यहाँ से इनिंग्स को बिल्ड करना अपनी टीम को सहारा देना एक रिस्पेक्टेबल टोटल बनाना जान जोखों का काम और अच्छा आगाज़ दिव्य अंदाज में खेले प्रॉपर मिडल किया था और एक दो बॉल्स चाहिए होती हैं किसी भी बल्लेबाज को आज पंजाब लाइन्स के ये देखिए जिस तरह से वो डाउन द ट्रैक चले गए थे और विकेट कीपर पहले फंबल किया लेकिन फिर अच्छी इस दफा और ये कैच गिरा दिया और ऐसा लगता है कि उनके चेहरे से ये गेंद टकराई है आसान कैच था बॉलर भी खुश नजर नहीं आ रहे जी हाँ असदुल्ला बिल्कुल नाखुश हैं और बनता भी है का इस्तेमाल किया था ओ। इस बॉल ने हर्ट भी किया होगा फील्डर को दफा और ये गेंद क्या कनेक्ट हुई है जी हाँ ये आज के मैच का पहला दूसरा जबरदस्त छक्का है इससे पहले हमने देखा था के के गेंद खेले थे लेकिन ये ओवर पिच डिलीवरी और मुजम्मिल ने इस गेंद को राह दिखा दी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बहुत बड़ा छक्का जी हां और इलियास को वो छक्का लगा था पावर प्ले का खात्मा हुआ है और पावर प्ले नाम रहा इस्लामाबाद हॉक्स के इस्लामाबाद हॉक्स ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फ़ैसला किया अब तक ये फ़ैसला उनके हक में है पावर प्ले में सिर्फ पाँच ही औसत से रन दिए और तीन विकेट्स हासिल कर लें शहजाद बॉलिंग के लिए आए हैं मारखोर प्रेजेंट्स रमादान कप सीजन टू आज तीसरा मैच है एल बी डब्ल्यू की अपील लेकिन आ, कोई ख़तरा नहीं होगा अभी तक बड़ी नपी तुली बॉलिंग इस्लामाबाद की टीम की जानेब से कोई मौका नहीं दे रहे पंजाब लाइन्स के बल्लेबाजों को अगेन यहाँ पर डॉट बॉल देखने को मिली हमें अच्छा आगाज हो चुका है कदमों का इस्तेमाल किया और शानदार अंदाज में यहां पर कैच करते हुए फील्डर एक और विकेट गवाएंगे पंजाब लाइन्स के बल्लेबाज ये अच्छी गेंद थी इसको सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए एक बहुत अच्छा कैच ये मिड विकेट पर फील्डर को प्लेस किया था गेंद खासी देर फजा में रही पीछे तमाशाई ज़रूर तैयार थे कि गेंद उनके पास जाए और वो कैच की बजाय पच्चीस हज़ार रुपये थाम लें तो इस तरह मुजम्मिल अपने विकेट गंवा बैठे तीस चार विकेट के नुकसान पर आगाज इस ओवर में एक विकेट के साथ हुआ और मुज़म्मिल अपने विकेट गंवा बैठे इस वक्त पंजाब लाइंस की टीम शदीद मुश्किल यहाँ पर एक पार्टनरशिप अब दरकार है तीस से चालीस रन की पार्टनरशिप हो शहजाद ने अब तक बेहतर बॉलिंग की है दूसरा ओवर है पहले ओवर मेडिन किया था स्पिनर्स को यहाँ पर खेलना मुश्किल होगा एक्स्ट्रॉडनरी बॉलिंग और रेत की दीवार साबित होते हुए पंजाब लाइन्स की टीम चार विकेट्स गवा चुकी है मैच तीस रन केवज़ अगेन बेहतरीन बॉलिंग अच्छी स्पिन बॉलिंग देखने को मिल रही है क्रम शहज़ाद की जानब से इसका आगाज किया था दौलत जादरान ने अफगानिस्तान के मशहूर ज़माना फास्ट बॉलर इस बॉलिंग अटैक को लीड करते हुए और इस वक्त मुश्किल का शिकार पंजाब लाइन मारखो रमदान कप यहाँ पर आपको फिर इंतजामिया को मुबारकबाद देनी होगी कि इंटरनेशनल प्लेर्स को भी ले आए और इसमें कई सितारे खेल रहे हैं शावेजर फान लाहौर खलंदर प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की दरिया ऊंचा खेले इसको रूम बनाकर गेंद खासी देर फजा में रही और ये क्राउड में से भी कोई कैच नहीं कर पाया मौका गंवा दिया पच्चीस हजार रुपए अपने घर ले जाएं एक बहुत ही जबरदस्त छक्का जी हां गुफ टूटा खुदा खुदा करके और बिला आखिर छक्का लगाने में कामयाब शावेज इरफान और कुछ मशावरत करते हुए तालिब के साथ शावेज सात ओवर्स के बाद थर्टी सेवन फो फोर एक छक्का जब यहाँ पर मिला है पंजाब लाइन्स को तो फिर कुछ अतमाद बहाल हुआ होगा रन रेट बहुत कम है अब इन दोनों प्लेस में से किसी एक को खुल कर खेलना होगा और यही लग रहा है कि शावेज़ इरफान इस चीज़ के ऊपर तहिया कर चुके हैं कि वो एक कैन से रनस करेंगे और ताले अगर स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे तो फिर यहाँ पर रनस बेहतर कर सकते हैं शावेज़ इरफान के पास ये क्वालिटी मौजूद है कि वो तेज़ खेलें रन बनाए दूसरा आपने लेकिन एक एंड से तालिब को उनको मुकम्मल सपोर्ट करना होगा एक एंड से आप अगर स्ट्राइक रोटेट करें जिस आपने कहा दूसरे एंड से शावेज़ स्ट्राइक करें बॉलर्स को तो यहाँ पर बिल्ट अप हो सकती है पार्टनरशिप पंजाब लाइन्स के लिए अदरवाइज़ जिस तरह की पंजाब लाइन्स बैटिंग कर रही है लग ही रहा है कि एक अभी तक लो स्कोरिंग टारगेट होगा इस्लामाबाद हॉक्स के लिए फारूक बॉलिंग के लिए आए हैं राउंड द स्टंप्स और यह गेंद फिजा में बहुत अच्छी कोशिश लेकिन यह गेंद आगे गिर गई अगर ये कैच पकड़ा जाता और थाम लिया जाता तो यह इस टूर्नामेंट अब तक बेहतरीन कैच हो सकता था जी हां ये पकड़ा जा सकता था कोशिश भी अच्छी थी लेकिन बर वक्त कैप्टलाइज नहीं कर सके और ये छः विकेट्स भी हो सकते थे दो कैचेस ड्रॉप किए इस्लामाबाद हॉक्स की टीम ने शावेज़ इरफान इस वक्त शबनम के कतरे उनको तंग करते हुए जी हाँ वो स्पाइक्स में जो है मट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में जब बूट में फंस जाती है तो फिर वो से निकाली जाती है फ़ारूक ने अच्छा आगाज़ किया है स्लो डिलीवरी थी और बैटर इसको सही तरीके से खेल नहीं पाए थे खुशकस्मत रहे ये कैच नहीं हुआ नहीं तो यहाँ पर एक और विकेट गिर जाती देखना ये कि शावेज़ इरफान का अब यहाँ पर किरदार क्या होगा शाहरुख चंद पिछले मैच में उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की थी आज दुबाओ में नज़र आए हमारी फ़रत उनके कप्तान आज मौजूद नहीं हैं और काजम शाह उनकी जगह कप्तानी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं क्या सिर्फ यहाँ पर आपने टॉस भी करवाई 160 170 का टारगेट कप्तान के माइंड में था पिच ख़राब है पिच बॉलिंग के लिए साजगार है या फिर पंजाब लाइन्स के बैटर्स यहाँ पर ख़राब की पेश करते हुए अच्छा सवाल है आपका लेकिन जब भी आप देखते हैं कि पिच में मदद मौजूद नहीं है तो फिर बैटर्स को एक एक मतमली करनी चाहिए और दुनिया क्रिकेट के एक अज़ीम बल्लेबाज वो लेजेंडरी बल्लेबाज बेहतरीन फिनिशर माइकल बेवन ये कहते हैं कि अगर आप सिंगल नहीं कर सकते तो फिर मैं आपको बैटर नहीं मान सकता तो यहाँ जितनी भी मुश्किल बॉलिंग बॉलिंग हो रही हो आप सिंगल तो कर सकते हैं स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं अभी खेल रुका हुआ है क्योंकि ग्लव्स चेंज किए हैं यहाँ पर तालिब ने जी हाँ दुरुस्त और इस वक्त टी ट्वेंटी क्रिकेट में भी आप देख सकते हैं ये भी टी ट्वेंटी क्रिकेट हो रही है तारिब आसिम वापस तैयार हो चुके हैं जिस तरह आपने माइकल बेवन का हवाला दिया तो आप अपने टी ट्वेंटी के दोनों ओपनर्स को देखें वो भी स्ट्राइक रोटेट करते हैं और आज दुनिया क्रिकेट में छाए हुए हैं और ये स्ट्राइक रोटेट करना उनकी एक आदत बन चुकी है ये जो अकब में तमाशाई नजर आ रहे हैं इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरियाँ हैं यहाँ पर मारखो और रमदान कप में फारूक अच्छी गेंद इस दफ़ा पेस जनरेट करने की कोशिश की थी ये वो चीज़ है कि अच्छी लाइन के ऊपर भी आप जब गेंद करें तो बैटर के पास इतनी सलाहियत होनी चाहिए और जब भी हम बात करते हैं तो सईद अनवर एक ऐसे बल्लेबाज़ से और उनके इंटरव्यूज़ भी मैंने देखे वो ये कहते थे कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सिर्फ गैप को देखूँ और मैं फील्डर को ना देखूँ तो जहाँ पर गैप होता है मैं उसको टारगेट करूँ तो ये आपकी फिर सलाहियत होती है आपने नाम लिया बाबर आजम रिजवान तो नहीं बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बहुत सी फतहत समेटी हैं पाकिस्तान के लिए जी हाँ किया और सईद अनवर को याद करके आपने पाकिस्तान के आई थिंक सबसे खूबसूरत लेफ्टी बल्लेबाज का जिक्र किया लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज का और ये क्राउड आप देख सकते हैं उस वक्त टहलता हुआ भी सीटें तलाश करता अयूब नेशनल पार्क में अच्छा गेंद फारूकी की जानिब से लाइन और लेंथ बड़ी का और यहाँ पर हो गए शावेज इरफान को वापस जाना होगा इट्स ह्यूज विकेट शावेज इरफान पे तकिया कर रही थी ये टीम लेकिन शावेज इरफान को रन आउट करवाया गया ये देखिए शॉट खेलते ही दौड़ पड़े यस और नो की कॉल में और वो कहते हैं ना कुछ शहर के लोग भी ालम सन कुछ सानू मरण था शौक भी सी ये रन नहीं लेना चाहिए था और शावेज की विकेट यहाँ पर गिर गई और अब 40 के मजमू स्कोर पर पंजाब लॉयस की आधी टीम जो है वो पवेलियन में जा चुकी है शावेज इरफान ने सोलह रन बनाए नदीम अब इस डूबती नैया को सहारा देने के लिए आए हैं पंजाब लाइंस की और ये पंजाब के शेर आज धारने की बजाय यहाँ पर बहुत ही सुस्त नज़र आए हैं और जिस तरह से उनको हमला आवर होना चाहिए था बिल्कुल भी उन उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे दुरुस्त काके आसिफ और पंजाब लाइंस अपना पहला मुकाबला भी हार चुकी ये एक गेम था ऑल इम्पॉर्टेंट गेम में इस तरह की परफॉर्मेंस जशती नहीं है पंजाब लाइन्स की टीम को अच्छे होने यार खिलाड़ी मौजूद थे आधी टीम आउट हो चुकी बल्लेबाज ने बॉलर को रोका है कुछ प्रॉब्लम है साइड स्क्रीन के साथ इनकी मुस्कुराहट ये बता रही है कि ये बहुत ही एतमाद से आए हैं और साइड स्क्रीन पर के सामने कोई आ गया था जिसकी वजह से वो मेरा ख्याल ये कि डिस्टर्ब हो रहे थे साइड स्क्रीन का ये जो मामला है ये इंटरनेशनल क्रिकेट में भी और इसमें ये बैटर के लिए बहुत ज़रूरी समझा जाता है हल्का तो सा भी कोई सामने आ जाएगा तो आपकी सारी कॉन्सनट्रेशन लूज़ हो जाती है नदीम खान सामना करेंगे फारूक़ का और अच्छी गेंद राइसिंग डिलीवरी थी आप पिच की बात कर रहे थे तो देखिए पिच में बाउंस भी मौजूद है और हमने देखा कि जो शॉट्स लगी हैं वो भी प्रॉपर लगी हैं वो गेंद बल्ले के ऊपर आया है तो फिर ऐसा महसूस होता है कि पंजाब के शेयर गलतियां कर गए जी हाँ जल्दी कर गए और जल्दी में विकटें गवाई और सूरत हाल काफ़ी ख़राब है पंजाब के लिए क्राउड बड़े ऐसे अंदाज़ में इस सर्दी में भी क्योंकि सर्दी आसफ़ ये मानना होगा आपको लेकिन यहाँ पर आप दाद देंगे क्रिकेटर को कि उन्होंने यहाँ पर शायकी ने क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी अमाउंट रखी है कि एक कैच पकड़िए और ज़बरदस्त ईदी है आउटसाइड ऑस्टम डिलीवरी अंपायर ने उसको लीगल डिलीवरी करार दिया इस तरह एक और बेहतर ओवर इस्लामाबाद हॉक्स के लिए चालीस पाँच विकेट के नुकसान पर जिस तरह जिस तरह यहाँ पर मैच आगे बढ़ रहा है सर्दी बढ़ रही है मुश्किल बढ़ रही हैं पंजाब लाइन्स के लिए और कप्तान अरसल शेख आए हैं बॉलिंग करने के लिए अच्छा आगाज़ और अरसल ने शर्ट जो पहनी वो इसहाक नामी प्लेयर की पहनी है तेरह नंबर की जर्सी जी हाँ जर्सी में काफ़ी प्रॉब्लम नजर आया आज ओ ये आज लगा था कि प्रथाम नहीं सके और एक रन ज़रूर मिलेगा लकी रहे बिल्कुल ये इन साइड एज हुआ था और अगर ये गेंद बहुत क्लोज रही स्टंप्स को टकरा जाती तो फिर यहाँ पर एक और नुकसान उठाना पड़ सकता था अरसल शेख बहुत अच्छे ऑफ स्पिनर हैं और बड़ा जेनवन इनका ऑफ स्पिन बॉलिंग एक्शन इस दफा कट किया स्ट्रेट टू द फील्डर देखना यह कि नदीम खान और तालिब अगर 20-30 रनज और बनाते हैं और एक ऐसी पार्टनरशिप कर लेते हैं कि स्कोर अगर 80-90 तक ले जाएं अगले सात आठ ओवर में तो फिर जो बकियामानंदा दो तीन ओवर्स होंगे उसमें दोनों बैटर्स कोशिश करेंगे कि कुछ बाउंड्रीज लगा दें लेकिन ये सिर्फ हाइपोथेसिस है ऐसा नज़र नहीं आ रहा जी हाँ और थोड़ा सा डिस्टर्ब भी होते हुए नदीम खान तलिब आसिम से इस वक्त उनसे कुछ पूछ करने के लिए गए हैं और कॉल शायद अच्छी नहीं थी और अम्पायर्स की बात की ऑनफील्ड में साजिद अफरीदी, सुल्फिकारजान टी वी अम्पायर हैं सलीम बट और रिज़र्व एन फोर्थ अम्पायर और उतवा शॉट एक या दो रन मिलेंगे एक रन बनाने में कामयाब क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं हसनैन लियाकत के ये देखा जाए कि दोनों बैटर्स किस तरह से इनिंग्स को आगे लेकर जाएंगे लेकिन जब स्पिन बॉलिंग है हमने देखा अरसर अपना पहला ओवर कर रहे हैं सब दो रन्स दिए हैं अभी तक सारी ही गेंदें बहुत अच्छी लाइन पर की हैं बैटर को, को कोई मौका नहीं दिया कि वो चौका या छक्का लगाएं इस दफ़ा फुल टॉस डिलीवरी और ये फ़र्क होता है कि जब आप ड्यू में बॉलिंग करते हैं तो कई दफ़ा गेंद आपकी जो है वो प्रॉपर डिलीवर नहीं होती इस सिंगल के साथ इस ओवर का अख्ताम हुआ नौ ओवर्स के बाद तैंतालीस पर पाँच पंजाब लाइन्स पंजाब लाइन्स का ये स्कोर कार्ड जो एक बेबसी की तस्वीर बना हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया इस्लामाबाद हाक्स के बॉलर ने तमाम ही बॉलर्स ने और अब तक ये बैटिंग लाइन जो है ये रेत की दीवार साबित हुई है इस्लामाबाद हॉक्स की बॉलिंग लाइन अप के ख़िलाफ़ यहाँ दो ही बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने डबल फिगर क्रॉस किया यासर खान और शाविरफान उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज इवन डबल फिगर्स तक ना जा सका और इसका क्रेडिट ज़्यादातर जाता है दौलत जादरान को जिन्होंने अपने आगाज के ओवर में ओवर्स में प्रेशर क्रिएट किया विकेट्स लिए किस वक्त कैमरा तो ज़रूर इनको दिखा रहा है लेकिन पूरी टीम की नज़रें इनके ऊपर होंगी ये कुछ आज मुनफरद कर दिखाएं पंजाब के शेरों के लिए और कट किया बच स्ट्रेट टू द फील्ड यह फैसला बिल्कुल दुरुस्त था कि यहाँ पर टॉस जीता जाए और पहले बॉलिंग की जाए लेकिन कासिम शाह जो कि कप्तान हैं आज पंजाब लाइन्स के वो ये चाह रहे थे कि हम टॉस जीत कर पहले बैटिंग करें क्या स्ट्रेटजी उनके माइंड में थी देखिए कोर्स स्ट्रेटजी यही होती है कि रन्स बनाए जाएं उसके बाद शायद उनको अपनी बॉलिंग पे ज़्यादा तकिया था कि हम रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे उन रन को लेकिन तमाम तर उनकी जो प्लानिंग है वो उल्टी पड़ गई पांच छह विकेट्स गवा चुके हैं और अच्छी गेंदबाजी बेहतरीन फारूक आज कमाल की बॉलिंग करते हुए आप ये कहना चाह रहे हैं कि पंजाब लाइन्स को लेने के देने पड़ गए और वो जो ये प्लान करके आए थे कि अगर हम टॉस जीत भी गए तो पहले बैटिंग करेंगे उनका ये यहाँ पर नजरिया दुरुस्त साबित नहीं हो रहा और जब हमने देखा है कि बॉलर्स लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं मैं बैटर के लिए मुश्किल होगा इस बात का हमने बारह तस्करा किया कि अप्रैल के महीने में रावलपिंडी में इस तरह की ठंड हमने नहीं देखी और ये जो ड्यू फैक्टर है इसने बहुत मुतासर किया है बॉलिंग लाइनअप को और कल दो सौ चेज हो गया और शॉट पे डिलीवरी थी इसको खेला स्क्वायर लेग के ऊपर एक ही रन का इजाफा होगा और अभी तक बेबसी की तस्वीर है पंजाब लाइन्स की टीम कोई भी बल्लेबाज विकेट पर टिक कर बल्लेबाजी करने में नाकाम रहा शावेज़ इरफान के ऊपर ये उम्मीदें थी कि वो कुछ करते इट्स स्पोर्ट्स इन्फो पाकिस्तान प्रोडक्शन और बड़ा कमाल यहाँ पर प्रोडक्शन का, का काम करते हुए स्पोर्ट्स इन्फो की टीम जी हाँ मारखो रमैदान कप सीज़न टू के तमाम मैचेस आप देख सकते हैं फास्ट स्पोर्ट्स पर लाइव और शायक क्रिकेट के लिए क्रिकेटर की जानब से पच्चीस हजार रुपये हर कैच पर दिए जाएंगे इस दफ़ा फिर सीधे बल्ले से खेले इसको और सवाल यह है कि अब ये दोनों बैटर्स जो हैं एक चीज की कोशिश करें कि अब विकेट नहीं गंवानी और कोशिश यही करनी है कि बीस ओवर तक हम इस गेम को लेकर चलें ताकि कुछ ना कुछ रन्स आए दुरुस्त अब उस तरह की जल्दी नज़र नहीं आ रही नदीम खान दो तीन बॉल मिडल कर चुके हैं लेकिन पॉइंट के फील्डर को क्रॉस करने में नाकाम रही अभी तक नदीम खान लेकिन काफ़ी परमाद लग रहा है इनका चेहरा कुछ करने की सलाहियत लग रही है इनमें ये बॉल भी पिछले कदम पे गए थे एक बार फिर पॉइंट के ऊपर फील्डर के पास ही बॉल पहुंचा पॉइंट के साथ बड़ी दिलचस्पी है नदीम खान की इससे ज्यादा आप फारूक को क्रेडिट दीजिए कि वो लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं और एक जगह टारगेट की है कि क्रिकेट की जुबान में इसको चौथा स्टम्प्स कहते हैं कि थोड़ा सा आउटसाइड द्स यहाँ पर गेंद करें और बल्लेबाज को मौका ना दें बिल्कुल दुरुस्त अक्कासी की आपने के आसिफ और जहां जहां पे फील्डर्स हैं उसी तरह से अपनी बॉलिंग को एग्जीक्यूट करते हुए फारूक ओ ब्रिलियंट डिलीवरी कमाल का बॉल फारूक की जानब से बॉल पड़ने के बाद बाहर की जानी मूव हुआ सीधा पहुंचा विकेट कीपर के महफूज हाथों में मैं दस ओवर्स के बाद चवालीस पे पांच बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग का मुहरा तमाम ही बॉलर्स ने किया इस्लामाबाद हॉक्स दौलत जदरान सिर्फ तीन रन देकर दो विकेट्स हासिल किए और फिर असदुल्ला ने भी बेहतरीन बॉलिंग का मुजाह किया तमाम बॉलर्स लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग करते हुए और अपने कप्तान अरसल शेख जिस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए और जब आपके ऊपर प्रेशर होता है तो फिर आप किस किस्म की गलती करते हैं ये फुल टॉस गेंद थी इसको खेला जा सकता था कॉम बॉक्स में मुझे जॉइन कर चुके हैं ज़ुबैर अबासी थैंक यू के आसिफ और सॉफ्ट हैंड्स के साथ यहाँ पर खेला था सिर्फ एक रन का यहाँ पर इजाफा शुरू से ही दबाव का शिकार रही पंजाब लाइन्स की टीम और दौल जादरान ने जिस तरह का आगाज़ दिया अपनी टीम को इस्लामाबाद हॉक्स को उसकी हम जितनी तारीफ करें वो कम है अरसल शेख एक बार फिर से तैयार इस बार बल्ला जरूर घुमाया था और यहाँ पर कामयाबी मिल चुकी है दैट्स अ बिग विकेट एक और बैट्समैन जाएंगे वापस एक और नुकसान यहां पर पंजाब लाइन्स की टीम को ये देखें फ्लाइट डिलीवरी थी और यहां पर बेल्स गिर गई तो बड़ी विकेट नाउ प्रेशर ऑन पंजाब लाइन्स जी हाँ तो आप नाने वाले बल्लेबाज इस वक्त काजिम शाह अब तो रज़ाक के नंबर पर ये खेलने के लिए आएँ और इस नंबर पर खेलना ख़ासा मुश्किल है सूरत इस वक्त पंजाब लाइन्स के लिए काफ़ी टफ है उनके बल्लेबाजों के लिए अरसल शेख बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं मारख रमज़ान कप 2023 का ये बड़ा मैच पंजाब लाइन्स अगर ये मैच हारेगी तो फ्लाइट पी की सेवन जीरो सिक्स के तहत वो घर को चले जाएंगे कप्तान अब कप्तान का सामना कर रहे हैं इस्लामाबाद हॉक्स के कप्तान अरसल शेख बॉलिंग कर रहे हैं ये एक फ्लाइटेड डिलीवरी इसको मिड विकेट के ऊपर खेलने गए और टाइम नहीं कर पाए बोल्ड हो गए काजिम शाह ऑफ द मार्कवे, हुए ये सिंगल नहीं हुआ दबाव बहुत ज़्यादा है पंजाब के शेरों के ऊपर वहाँ पर इस्लामाबाद के हॉक्स जो हैं वो छाए हुए हैं इस वक्त ये ओवर का आखिरी बॉल ओ इस बार बड़े शॉर्ट के लिए जा रहे थे एज हुआ और गेंद के विकेट कीपर के Gloves में एक और बड़े विकेट अरसल शेख यहां पर लेने में कामयाब हो चुके Another विकेट डाउन ऑफ पंजाब लुक हैं फ्लैट डिलीवरी और अब मजीद मुश्किल से दो चार तू चल मैं आया कि मजदाक यहाँ पर पंजाब के शेर बिल्कुल ही जीरो हो गए हैं काजिम शाह बगैर कोई रन बनाए आउट हुए इस वक्त पंजाब लाइन्स की टीम मुश्किलात से दो चार वो अब ले आने वाले बैट्समैन है फारूक आ चुके हैं एक बार फिर से अब का तीसरा वर यह करने के लिए मौजूद है इस वक्त और दैट्स अ गुड डिलीवरी टॉप तो डिलीवरी के साथ आगाज अब फोर्टी फाइव पैंतालीस मजबूरी स्कोर है और मैच इस वक्त इस वक्त पलड़ा पल मुकम्मल तो तौर तो पर भारी इस्लामाबाद हॉक्स की टीम का पंजाब लाइन्स के यहाँ पर जो बल्लेबाज हैं तालिब आसिम तेरह बालें उन्होंने अब तक फेस किए हैं और सिर्फ सात रन्स बनाए थोड़े से आप बड़े शॉट पर खेलने पड़ेंगे स्कोर की गति को बढ़ाने के लिए शॉट तो खेलने पड़ेंगे लेकिन सवाल यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा रंस कौन बनाएगा यहाँ तो विकेट्स का ढेर लग चुका है बहुत अच्छी लाइन के ऊपर बॉलिंग की है पिछले ओवर में मैं ये तस्करा कर रहा था असनैन से भी कि फारूक ने एक चीज़ अच्छी कि लाइन और लेंथ के ऊपर काबू रखें और बैटर को खुलकर खेलने का मौका ना दें उनकी टीम इस्लामाबाद हॉक्स ने इस वक्त इस मैच में पंजे गाड़ लिए हैं शायद नहीं क्रिकेट आज थोड़े से खुश नहीं होंगे पंजाब लाइन्स की टीम से क्योंकि क्रिकेटर की जानेब से पच्चीस हज़ार रुपये हैं बाउंड्री से बाहर कैच पर और आज छक्के कम ही लगे हैं कल की फारूक यहां पर ओवर का तीसरा बॉल करने के लिए तैयार है सामने इस वक्त मौजूद है तालिबासिम लेफ्ट हैंडेड बैटर इस बार यहां पर शॉट खेला अच्छा शॉट है और यहां पर मिस फील्डिंग चार रन यहां पर मिल जाएंगे मच नीडेड बाउंड्री फॉर बैटिंग साइड वेलकम बाउंड्री फॉर बैटिंग साइड कुफर टूटा खुदा खुदा करके ये जो बाउंड्री है बहुत ज़रूरी थी शॉर्ट पिच डिलीवरी पुल किया था टाइम तो सही नहीं हुआ लेकिन यहाँ फील्डर इस दफ़ा गलती करके चार रन मिले और बहुत अशद ज़रूरत थी इस बाउंड्री की पंजाब के शेरों को अभी तक एक रन कम है वो अभी तक फिफ्टी नहीं गिर पाए बारहवें ओवर का खेल जारी है तालिब आसम ने ज़रूर एक उम्मीद की शमा रोशन की है यहाँ पर हाँ काफ़ी देर से खामोशी थी कि आसिफ साहब खामोशी को थोड़ा है तालिब आसिम ने फारूक एक बार फिर से तैयार एक बार फिर से सैम डिलीवरी थे और सैम रिजल्ट है रन यहां पर मिलेंगे चार बैक टू तो बैक बाउंड्रीज तालिब आसिम की जानब से अनदर गुड शॉट इस चौके के साथ पंजाब लाइंस ने अपने 50 रन भी मुकम्मल किए और इस दफा इसको डरते डरते खेले थे सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए लेकिन रन चाहिए जेफरी बाइकॉट ने 2009 के वर्ल्ड टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के फाइनल में जब शाहिद आफरीदी ने आखिरी रन लिया था तो वो लेग बाय था उस वक्त उन्होंने कहा था हु केयर्स रन्स चाहिए जैसे भी मिल जाएं। और यही हाल इस वक्त पंजाब लाइन्स को है कि उनको रन चाहिए बस कमाल बात की आपने के आसिफ। और इस वक्त है अब थोड़ा सा प्रेशर फारूक पर है फारूक oh, जुबैर जब भी हमने देखा आउटसाइड दम गेंद हुई फारूक ने इस लाइन को पकड़ा तो बैटर इसको नहीं खेल पाए दो गेंदे उन्होंने थोड़ी सी लेंथ मिस की और उस पर रन्स बन गए ये वो लाइन है इस पिच के ऊपर जब आप देख रहे हैं कि ये टेल एंडर्स आ, बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर इनके लिए आसान नहीं होगा जहाँ गलती करेगा बॉलर और लाइन uh, को मिस करेगा वहाँ रन्स बनेंगे इस वक्त बहुत ही अच्छी पोजीशन है इस्लामाबाद हॉक्स की यहाँ से ज्यादा रन्स अब नहीं बनाने देने चाहिए फाइनल डिलीवरी ऑफ द ओवर दैट्स अ गुड डिलीवरी दैट्स एंड ऑफ द ओवर 53 लास्ट ऑफ सेवन विकेट्स पंजाब लाइन्स दौलत ज़ादरान आए बॉलिंग के लिए एक बड़ा नाम क्रिकेट की दुनिया का अच्छा यहां पर बॉल था दौलत जादरान की जानब से ये करने की कोशिश की थी और सीधे बल्ले के साथ यहां पर खेले सिर्फ एक रन का यहां पर इजाफा दौलत जादरान ये थे जिन्होंने पंजाब लाइम्स के सलामी बल्लेबाजों को वापस भेजा था पवेलियन और दौलत जादरान, अफगानिस्तान के बड़े बॉलर्स में से एक रहे हैं इस वक्त ज़रूर बड़े बॉलर्स मौजूद हैं अफगानिस्तानी क्रिकेट टीम के पास लेकिन ये उस वक्त के बॉलर हैं जब अफगानिस्तान को बॉलर्स चाहिए थे अच्छा बॉल किया दौलत जादरान दें एक बार फिर से कलाइयों के सहारे यहाँ पर इस बॉल को खेला सिर्फ़ एक रन का यहाँ पर इजाफा पहले दोनों बालें बड़ी अच्छी हैं कि आसिफ दौलत दोन की जानब से क्या कहेंगे इस बॉलिंग पर अल्फाज कम पड़ जाएंगे दौलत दौलतरान की तारीफ करने के लिए जी हाँ सिर्फ पाँच रन देकर दो विकेट्स हासिल किए हैं और इनके जो टी ट्वेंटी करियर है उनमें बेस्ट बॉलिंग अगर देखी जाए तो पाँच विकेट्स हासिल किए नौ रन देकर एवरेज बहुत अच्छी है इनकी बीस के औसत से और नवासी विकेट्स हासिल किए अपने टी ट्वेंटी करियर में दौलत जदातरान ने चेंज ऑफ द पेस विकेट कीपर भी इसको थाम नहीं पाए रन नहीं बना पंजाब लाइंस के बैटर्स जो हैं अगर यहां पर गिरते पड़ते संभलते गिरते अगर 20 ओवर खेल गए और 100 एक सौ भी बना लिए तो फिर ऐसा महसूस होता है कि इस पिच पर आसान नहीं होगा उनके लिए भी बैटिंग करना दुरुस्त आपने आसिफ और इस वक्त दौलत जादरान काफ़ी आज खुश दिखाई दे रहे हैं दौलत साजरान स्टार्ट से इनके चेहरे पर स्माइल है बहुत अच्छी चीज़ है जब भी आप मुस्कुराते हैं अपनी गेम को एंजॉय करते हैं और खास तौर पर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिए हो तो फिर ये मुस्कुराहट और खुशी बढ़ जाती है इस दफा गेंद अंदर आई थी इन साइड एच लकी रहे बैटर बहुत करीबी मामला था एंजॉय कर रहे हैं अभी तक दौलत साजरान बड़ी अच्छी और बड़ी शानदार पर बॉलिंग किया दौलतान ने दो शारिया चार ओवर्स में अब तक सिर्फ छह दिए ने और इस में तीन रन आ चुके हैं टीम पंजाब लाइन्स के लिए आसिम अच्छा खेल रहे हैं और ये जो अकब में शायक क्रिकेट इंतजार करें कि कुछ छक्का लगे और वो कैच थाम लें फुल टॉस डिलीवरी इस दफा इसको खेल दिया है मैन रीजन में फील्डर इस गेंद को फील्ड किया एक ही रन बनेगा क्रिकेटर की जानब से पच्चीस हज़ार रुपये के कैश प्राइज़ है अगर आप घर पर ये मैच देख रहे हैं और रावलपिंडी में मौजूद हैं तो फिर आइए ग्राउंड का रुख कीजिए अयूब नेशनल पार्क क्रिकेट ग्राउंड का यहाँ पर मारखोर मैदान कप दूसरा एडिशन इस वक्त जारी है और ये फुल टॉस बॉल था यहाँ पर चेक किया जा रहा है दोनों बैटर्स इस वक्त आपस में बातचीत कर रहे हैं और दौलत जादरान कवर यहाँ पर जारी हो सारी है अब इस एंगल से चेक किया जा रहा है थोड़ा आगे आ गए थे इस चीज़ को देखना होगा आगे चलकर खेले थे क्या ये लीगल डिलीवरी है अभी तक इंतज़ार किया जा रहा है या ये नो बॉल होगी नो बॉल होगी तो एक दफ़ा फिर देखते हैं इसको और जी हाँ ये नो बॉल होनी चाहिए ये वेस्ट साइड से ऊपर है सवाल ये है कि वो थोड़ा सा चल के आगे भी आए क्या इससे कोई अंपायर सोचने में मजबूर होंगे आज क्या सिर्फ जी हाँ फ़िलहाल तो ये खुशी की बात है पंजाब के शेरों के लिए अब उनको मौका मिला है कि इस गेंद के ऊपर कुछ रन्स बना दें चौका छक्का लगा दें क्योंकि तमाशाई भी अब इंतजार कर रहे हैं कि कुछ छक्का लगे वो कैच सामे शायद इंतजार अब खत्म हो जाए इस बार पर क्योंकि फ्री हिट है लेट्स क्या होता है फ्री हिट का मतलब लाइसेंस टू तो हिट द बॉल आउट ऑफ द ग्राउंड इस बार यहां पर शॉट जरूर खेला लेकिन ये बॉल मिडल नहीं किया था उबैद शाह ने अच्छी बॉलिंग दौलत जादरान की जानब से एक्सपीरियंस कंपेनर फ्रॉम अफगानिस्तान गेंद गिरने के बाद अंदर आई थी आसान नहीं था बैटर के लिए इसको खेलना जाहिर है टेल एंडर्स खेल रहे हैं दोनों एंड से आज बहुत ही नपीतुली बॉलिंग की है तमाम ही बॉलर्स ने उसातरान ने सिर्फ आठ रन दिए हैं और दो विकेट्स हासिल किए हैं अर्सल ने बेहतरीन बॉलिंग की उबैद शाह इस वक्त स्ट्राइक पर मौजूद है इस बार अच्छा यहाँ पर बॉल था दौलतरान की जानब से और स्माइल पास करते करते यहाँ पर बॉल के पीछे ज़रूर गए थे ऑफ द ओवर नाइन फॉर सेवन पंजाब लाइन्स बैद शाह इस वक्त स्ट्राइक पर हैं उबैद शाह के पास अभी अच्छा मौका है कि तीस चालीस रनस कर दें के आसान नहीं होगा लेकिन सात ओवर्स का खेल बाकी है अगर आप अपने हौसले बुलंद रखते हैं और कोशिश करते हैं तो फिर कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है इलियास इस दफ़ा गेंद नीचे रहा गिरने के बाद ये जो पिच का बिहेवियर है ये इस्लामाबाद हॉक्स को भी परेशान कर सकता है इस्लामाबाद हॉक्स की टीम की एक आपने प्लस पॉइंट देखा होगा और ये रिप्ले आप देख सकते हैं कि बाल थोड़ा सा लो रहा था कि रिलैक्स कहीं भी नज़र नहीं आए इस मैच में अभी तक इस्लामाबाद हाक्स के बॉलर और मेहनत किए जा रहे हैं जी हाँ जुबैर मैं यही चाह रहा था कि जिस तरह से अच्छी बॉलिंग की है तो कम से कम रन पर इनको आउट कर दें ताकि फिर इस्लामाबाद हॉक्स को कोई परेशानी ना हो रंस चेज करते हुए इस बार यहाँ पर पॉइंट रीजन की जानब खेला था प्रोटेक्शन वहाँ पर मौजूद थी किसी रन का यहाँ पर इजाफा नहीं डॉट डिलीवरी इलियास खान की जानब से मारखुर रमज़ान कप 2023 थर्ड डे ऑफ द टूर्नामेंट है और तमाम तर पाकिस्तान के सुपरस्टार प्लेयर इस टूर्नामेंट में मौजूद हैं मार्को रमदान कप सीजन टू क्रिकेटा की जानब से शायक क्रिकेट के लिए बहुत बड़े इनाम हैं यहाँ पर और कभी कभी दिल ललचाता जरूर है कि कमेंट्री बॉक्स से उठकर तमाशाइयों के साथ जा बैठें और कैच थाम लें लेकिन छुट्टी नहीं मिल रही जुबैर <laughs> ये जो ऑर्गेनाइजर है क्या आपकी बात वो सुन लें बाद में जाके और फिर कहें कि क्या आसिफ साहब आज एक मैच में आप बैठ जा बाहर अब वो फिर ऊपर वाले की मर्जी है कि बाल आपके पास आएगा कि नहीं आएगा अगर इसी तरह का मैच होता रहा तो फिर तो मेरा वहाँ पर बैठना जो है वो सूदमंद साबित नहीं होगा क्योंकि आज ये पिच बहुत मुश्किल होती जा रही है इस्लामाबाद हॉक्स को भी जो है वो मुश्किलात से दो चार होना पड़ सकता है अगर ये रन सौ एक सौ दस तक हो गए इलियास खान एक बार फिर से तैयार ओह ब्रिलियंट डिलीवरी चेंज ऑफ पेस था इलियास खान की जानब से और डाउट uh, डिलीवरीज हमें देखने को मिल रही हैं सबर में भी सुरतल बड़ी मुश्किल है इस वक्त पंजाब लाइन्स के बल्लेबाजों के लिए और uh, कोई मौका नहीं दे रहे इस्लामाबाद हॉक्स के बॉलर इस सवर में भी बड़ा शॉट खेलने का जी हाँ टी ट्वेंटी क्रिकेट में शॉर्टर फॉर्मेट में चौके छक्के देखने के लिए क्राउड उमड आता है और लेकिन आज ये वो कंडीशन्स नहीं हैं जहाँ पर खुलकर खेला जाए कुछ गेंदें ऐसी थीं जो कि बल्ले पे बड़ी अच्छी आईं और वो पार्क से बाहर चली गईं लेकिन मुबारकबाद के मुस्तक है इस्लामाबाद हॉक्स के तमाम ही बॉलर्स बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग की इस ओवर में भी तीन डॉट डिलीवरीज की हैं इलियास खान ने इस दफा इसको कट किया और ऐसा लगता है कि ये चार रन मिल जाएंगे और ये वेलकम बाउंड्री पंजाब लाइन्स के लिए काफी देर से कोशिश कर रहे थे कट शॉट खेलने की कट शॉट खेलने की और आखिरकार कामयाबी मिली अच्छा शॉट प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट ये चार रन यहां पर मिले पॉइंट रीजन पर तालिब आसिम का ये बेहतरीन शॉट था और ये वाइद बल्लेबाज हैं पंजाब लाइन्स के जिन्होंने 21 तक अपने रंजों को पहुंचाया और टीम के टोटल को पहुंचा दिया 64 तक क्या कहेंगे क्या आसिफ मजाहमत जरूर कर रहे हैं तालिब आसिम अब तक और एल की अपील लेकिन ये गेंद हाइट का भी इशू था लाइन भी इम्पैक्ट भी जो है ये आउटसाइड दफ्ट अच्छा कम बैक डॉट डिलीवरी के साथ चौदह ओवर्स का खेल खत्म हुआ पंजाब लाइन्स चौंसठ पर सात उबैद शाह के चेहरे से परेशानी जो है वो आया है बहुत परेशान है उनकी टीम इस वक्त बहुत ही मुश्किल से दो चार है देखते हैं कि आज वो क्या कामयाब साबित होते हैं और अपनी टीम को और अपनी इस कश्ती को इस मझधार से निकाल लेंगे बड़ा अच्छा आपने बयाँ कर दिया उबैद शाह के जो चेहरे के जो हालात थे और लेफ्ट आर्म स्पिनर को यहां पर लाया गया टीम कप्तान की जानब से ही अच्छा फैसला है विकेट की तलाश में ओह दैट्स अ गुड डिलीवरी अच्छा बॉल था और फील्डर uh, यहां पर मौजूद है लॉन्ग ऑन पर सिर्फ एक रन का यहां पर इजाफा गेंद गिरने के बाद थोड़ा नीचे रहा आ, ये चीज़ जो है ये परेशान करेगी इस्लामाबाद हॉक्स के बैटर्स को भी इसका मतलब यह है कि पिच में बॉलर्स के लिए मदद बहुत ज़्यादा है हमने देखा है और रमज़ान कप 2023 की मैनेजमेंट की जितनी तारीफ करे कम है बड़ा शानदार तरीके से अब तक इस टूर्नामेंट को मैनेज किया है इस बार फ्लाइट डिलीवरी की थी फ्लिक किया हल्का सा सिंगल लेना चाहते थे लेकिन डाउट डिलीवरी मिलेगी शहजाद खान को आठ हज़ार इन्होंने अब तक दिए हैं और एक कामयाबी इन्होंने हासिल की है अपनी टीम इस्लामाबाद हॉक्स के लिए तालिब आसिम एक बार फिर से तैयार अनदर ब्रिलियंट डिलीवरी अच्छी लाइन नपी थुली बॉलिंग तगड़ी बॉलिंग हम कहेंगे और कोई मौका नहीं यहां पर बड़ा शॉट खेलने का तालिब आसिम मौके की तलाश में है कि शहजाद कोई गलती कर दे दफा ऊंचा खेले बहुत ऊंचा और ये गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर अंपायर ने कंफर्म किया कि होंगे बड़ा बड़ा अच्छा शॉट शॉट बेहतरीन था का इस्तेमाल था और फ्लाइट डिलीवरी जरूर थी अच्छे से लाइन और लेंथ को भापा था और शानदार चक्का स्क्र लेग की पोजीशन पर दैट वाज अ मैसिव शॉट ब्रिलियंट बैटिंग डिस्प्ले फ्रॉम तालिब आसिम तालिब इस वक्त uh... अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं और आसान नहीं था लेकिन जहां फ्लाइट मिली इसी चीज़ का तस्करा कर रहा था कि जैसे ही गलती करेंगे बॉलर यहां पर पिटाई हो जाएगी इसको खेल दिया फ़ाइनल की जानेब और एक रन तेज़ी से हासिल किया इस तरह पंद्रह ओवर्स का खेल ख़त्म हुआ स्कोर बहत्तर सात विकेट के नुकसान पर कप सीजन टू तीसरा मैच है आज और जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ेंगे टूर्नामेंट में दिलचस्पी बढ़ती जाएगी कल भी एक बड़ा मैच है और पिंडी जो है वो हमेशा पहचाना जाता है पिंडी बॉयज से जुबैर और आप भी एक पिंडी बॉय हैं अच्छा यहाँ पर बॉल था और सिर्फ एक क्षण का यहाँ पर इजाफा जबब से पिंडी बॉयज की बात होती है तो फिर आपके जैन में कोई पोटोहारी या कोई इस किस्म का सॉन्ग आता है क्योंकि पिंडी बॉयज तो हमने देखा है सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं सिर्फ एक ही नाम जैन में आता है एक ही चीज जैन में आती है बाबा जी पिंडी पिंडी है। <laughs> और ये राहुल पिंडी के अयूब नेशनल पार्क में मारखोर रमजान कब का रंगा रंग मेला जारी है खान अपना तीसरा ओवर कर रहे हैं लेकिन ये रंगा रंग मेला पंजाब लाइन्स के शेरों के लिए फीका पड़ चुका है क्या आसिफ कैसा लग रहा है रावलपिंडी में बड़े अरसे के बाद इस तरह का टूर्नामेंट हमें देखने को मिल रहा है और बड़ी शानदार इंतजाम कश्मीर किंग्स मैनेजमेंट की जानब से बैकफुट पर इसको खेले स्ट्रेट टू द फील्डर जी हाँ मैंने पूरे पाकिस्तान में रमदान कप कवर किए हैं खासतौर तो पर कराची में बहुत बड़े लेकिन जिस तरह से रावलपिंडी में ये इनिशिएटिव लिया गया बहुत ही ज़बरदस्त और मैं ये विश करता था कि रावलपिंडी में इतने बड़े लेवल का टूर्नामेंट क्यों नहीं होता और इस सवाल का जवाब जो है वो मारखो रमदान कप की मैनेजमेंट ने इंतज़ामिया ने रालपिंडी के शायक को मुबारकबाद के मुस्तक हैं कि वो भी यहाँ पर आते हैं इंतजामिया भी मुबारकबाद के मुस्तक है इलियास खान एक बार फिर से तैयार इस बार यहाँ पर अच्छा शॉट खेला है लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में कोशिश अच्छी थी कोशिश बड़ी बेहतरीन थी इस बार उबैद शाह की जानब से लेकिन बड़े शॉट खेलने में वो कामयाब ना हो पाए अच्छा शॉट खेला था ज़ोरदार तरीके से ये शॉट खेला था लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद थे नायत उमदा और शानदार फील्डिंग डीप कवर के पोजीशन पर फील्डर मौजूद थे जिन्होंने बाउंड्री सेव की यहां पर अपनी टीम इस्लामाबाद हॉक्स के लिए अच्छी हमत अमली है कि सिंगल डबल्स किए जाएं और स्कोर को दो के रिंगते रिंगते पंजाब लाइंस की टीम जो है वो सत्तर का हिंसा उबूर कर गई है इस वक्त इलियास बड़ी शानदार और जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं इस्लामाबाद हॉक्स के लिए अट्ठाईस रन की पार्टनरशिप पार्टनरशिप हो चुकी है उबैद और तालिब आसम के दरमियान बड़ा शॉट खेलने के लिए गए थे इनसाइड एज और जुबैर पिंडी की लैंग्वेज में अगर हमने शायक क्रिकेट को मधु करना हो इस ग्राउंड की तरफ तो आप कैसे उसको करेंगे आप भी बहुत टेप बॉल में भी कमेंट्री करते हैं ग्राउंड कमेंट्री भी करते हैं पटवारी बोलते हैं ज़रा आप हमारे नाजरीन के लिए बोल कर बताइए देखें इतनी अच्छी मेरी पटवारी नहीं है लेकिन कोशिश मैं ज़रूर करता हूँ शायक क्रिकेट की माड़ी गुजारिश ही कि ग्राउंड अंदर अच्छो क्रिकेट अच्छा देखो इस तो अच्छा टूर्नामेंट तुम रमजान अंदर देखने के ना लभना और ताड़ा लोटी ताड़ा लोटी ये गला बिल्कुल ठीक आपने कहा क्या आप यहाँ पर आइए और इस क्रिकेट को एंजॉय कीजिए तालिब ने इसको खेला है मिड ऑन की जानेब रन नहीं बना तो सोलह ओवर्स के अख्ताम पर छिहत्तर सात विकेट के नुकसान पर यहाँ पर उबैद शाह ने कट शॉट जरूर खेला था लेकिन फील्डर यहाँ पर मौजूद है आप आंद कोशिश कर रहे हैं इस वक्त पंजाब लाइन्स के बल्लेबाज बड़े शॉट्स खेलने की और किस हद तक वो कामयाब भी हो चुके हैं इकतीस बालों पर उनतीस रन्स की क्रंट पार्टनरशिप हो चुकी है जी हाँ बिल्कुल इस बार कमाल और दिलकश शॉट अंपायर का इशारा देखना होगा भी इस वक्त चेक करवाते हुए आया ये बाउंड्री है या फिर मैक्सिमम है लेकिन अच्छी पार्टनरशिप जारी है जिस तरह की सिचुएशन थी पंजाब लाइन्स की जानव से ये देख सकते हैं आप बड़ा शॉर्ट था और अब इस एंगल से आप देख सकते हैं इट्स अ मैक्सिमम इट्स अ मैक्सिमम सो चक्का लगाने में कामयाब उबैद शाह अंपायर तस्दीक करते हुए एक्सीलेंट कैमरा वर्क जी हाँ बड़ा शानदार वर्क है स्पोर्ट्स इन्फो की टीम का प्रोडक्शन टीम ने कमाल कर दिखा है इस टूर्नामेंट में अब तक और इस बार अच्छा बॉल था अच्छी वापसी यहाँ पर रहे असदुल्ला की जानिब से उबैद बड़े अच्छे शॉट्स खेल रहे हैं और जब ये ग्रीस पर आए थे उस वक्त स्ट्रगल कर रहे थे अब खासा अच्छा खेल रहे हैं बेहतर खेल रहे हैं और इस बार बल्ला जरूर घुमाया था बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की थी उस कोशिश में हुए नाकाम डाउट डिलीवरी असदुल्ला की जानब से जी हाँ पहले ही माइंड बना चुके थे कि बड़ा शॉट खेलना है और सिचुएशन भी कुछ ऐसी है पंजाब लाइन्स के लिए अब डिसेंट स्कोर की तरफ जाना होगा एक और उड़ता हुआ शॉट देखना होगा रिजल्ट क्या होता है और नो मेन्सिडेंट एरिया में यह बॉल गिरा इसी इस नाम एक रन बनाने में कामयाब उबैद शाह और बड़ी क्रूशल पार्टनरशिप जा रही है उबैद शाह और तालिब आसिम के माबे ऑल तो इनका उबैद शाह का स्ट्राइक रेट तो सो के नज़दीक नज़दीक तालिब आसिम थोड़ा सा स्लो खेल रहे हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू तो सिचुएशन ये एक बहुत क्रूशल इनिंग्स खेल रहे हैं अपनी टीम पंजाब लाइन्स के लिए अगेन अच्छा बॉल था और इसी के साथ सत्रह ओवर्स का खेल ख़त्म त्रियासी पे सात बारह रनज़ बनाने में कामयाब शावेज़ इरफान सोलह रन बनाने में कामयाब तालिब आसिम जो कि इस वक्त विकेट पे मौजूद पैंतीस बॉल खेलकर कर उनतीस रन बना रखे हैं और उबैद शाह चौदह गेंदों पर चौदह रन बनाकर विकेट पे मौजूद पंजाब लाइन्स की जानब से सिर्फ नौ रन एक्स्ट्रा के दिए इस्लामाबाद हॉक्स की टीम ने और ये पार्टनरशिप जो इस वक्त जारी और सारी है ये बहुत काम आएगी पंजाब लाइन्स की टीम को शहजाद पहला बॉल था अच्छा शॉट खेले डीप कवर पर चार रन्स यहां पर मिलेंगे एक और बेहतरीन यहां पर चौका लगाने में कामयाब उबैदाह अपने बैटिंग स्किल्स को यहां पर शो करते हुए अयूब नेशनल पार्क में उबैद शाह पॉजिटिव इंटेंट के साथ यहां पर कमाल खेलते हुए अपनी टीम के लिए शहजाद खराब गेंद और एक बुलंदों वाला चक्का लगाने में कामयाब क्या ये कैच हुआ या नहीं बिल्कुल नहीं हुआ सब अपने सिरों पर हाथ रखे हुए सब तमाशाई वाह वॉट शॉट लुक दैट ओह क्लासी शॉट। डीप कवर पर छक्का बहुत कम देखने को मिलता है स्टेन लिया और क्राउड ने यहां पर कोशिश जरूर की थी कैश लेने की अगर ये कैच हो जाता तो क्रिकेटा डॉट न्यूज की जानब से पच्चीस हजार रुपए स्पेक्टेटर को मिलते जो ये कैच लेता और इस बार अच्छा अच्छा बॉल इस बार थोड़ा तो सा स्लो किया था ये बॉल यहाँ बॉल थोड़ा सा रुक के आया और शाह समझ गए थे भाम गए थे इसी वजह से जो उनका इंटेंट था एक और बुलंद बॉल शॉट खेलने का उस पर थोड़ा सा कंट्रोल किया और धीमे अंदाज में खेले अच्छी यहाँ पर इनिंग्स खेलते हुए उबैद शाह कुरम शहजाद आखिरी ओवर में रन देते हुए अगेन फ्राइडे डिलीवरी एन नादर बुलंदो बुलंदोबाला शॉट और कमाल का कैच यहाँ पर बाउंड्री फील्डर मौजूद थे लॉन्ग ऑन की पोजीशन के ऊपर और इसी के साथ इस इनिंग्स का इख्तिताम ये देखें गेंद काफ़ी देर फिजा में रही है और बड़ा अच्छा ये कैच था जितनी इसकी तारीफ की जाए कम है और एक अच्छी इनिंग्स के लिए सत्रह बालों पर चौबीस रन बनाने में कामयाब रहे वो शाह अली ऐसन इस वक्त आए हैं अगेन शहजाद ऑस्टम से थोड़ा सा वाइट था ये बॉल एक रन बनाने में कामयाब होंगे अली ऐसन अगर इस ओवर के देखें तो पहली बॉल पर चौका फिर चेका फिर टॉप टेलीप्री फिर उसके बाद कामयाबी तो ये अवर कामयाब रहा है पर शहजाद का जो चीज़ उन्हें चाहिए थी जो जिस चीज की तलाश में थे विकेट की तलाश में थे और विकेट उन्हें मिली और ये आप देख सकते हैं बड़ा अच्छा और बड़ा शानदार कैच यहाँ पर फिल्डर का सुरम शहजाद दूसरे विकेट अपने नाम करने में कामयाब रहे इस बड़े मैच में पंजाब लाइन्स के खिलाफ जी हाँ डाउन <coughs> द लेग साइड था बल्ले के साथ छेड़खानी की और एक रन बनाने में कामयाब ये अगर बॉल को लेफ्ट कर देते तो वाइड गेंद हो सकता था अठारह ओवर्स के बाद पचानवे रन आठ विकेट के नुकसान पर पंजाब लाइन्स इस्लामाबाद हॉक्स बॉलिंग समरी। दौलत जादरान पेसर फ्राम अफगानिस्तान तीन ओवर्स में नाइन नौ रन दो विकेट लेने में कामयाब हुए और इसके अलावा असदुल्ला सत्रह रन वजह से एक विकेट लेने में कामयाब कुरम शहज़ाद छब्बीस के वजह दो विकेट लेने में कामयाब फ्लाइडी डिलीवरी इसको बाम पा था और इसी के साथ लॉन्गॉन के फील्डर मौजूद एक रन का इजाफा होगा अरसल शेख टीम कप्तान इस वक्त बॉलिंग के लिए आ चुके हैं एक बार फिर से अली हसन अब इनके पास स्ट्राइक होगा इट्स अ स्पोर्ट्स इन्फो पाकिस्तान प्रोडक्शन बड़ा शानदार काम प्रोडक्शन टीम की जानब से दैट्स अ गुड डिलीवरी अच्छा यहां पर बॉल था बड़ी अच्छी कप्तानी आज हमें देखने को मिली अरसल शेख की जानब से और खुद भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की इन्होंने अरसल की कप्तानी भी अच्छी और वक्त भी अच्छा चल रहा है नहीं तो उन्नीसवा ओवर स्पिनर से करवाना कदमों का इस्तेमाल दिलेराना शार्ट था रिजल्ट देखना होगा और यह बॉल पहुंची बाउंड्री लाइन से बाहर जी हाँ बड़ा शानदार कदमों का इस्तेमाल किया और अच्छा खेले इस बॉल को अच्छा टाइम किया और गेंद यहां पर लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री से बाहर गई छह रन के लिए दैट वॉज अ ब्रिलियंट शॉट मैक्सिमम टेलेंडर यहां पर अच्छा खेल रहे हैं पंजाब लाइन्स के लिए और इस छक्के के साथ सेंचुरी पे मुकम्मल हुई है नहीं? 102 सौ दो मजमा जा पहुँचाए अरसल शेख अगेन ये बॉल अच्छा था और जिस तरह आपने बताया कि अरसल शेख ने अच्छी कप्तानी की लेकिन ये डिसीजन थोड़ा सा अगर यहाँ पर सेट बल्लेबाज होते इस वक्त पे स्पिनर को कर, इंट्रोड्यूस करवाना हमने देखा था एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में सईद से अजमल को इंट्रोड्यूस करवाया गया था उस वक्त की कप्तान की जानब से और वो रिजल्ट और माइक हसी पूरे पाकिस्तान को याद अगेन डिलीवरी इसको खेला है लेकिन प्रॉपरली मिडल नहीं कर पाए एक बाउंस के बाद बॉल पहुंची फिर लेकिन महफूज दूसरा रन लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नाकाम रहे तेज बॉल नहीं कर रहे फ्लाइटी डिलीवरीज हमें ज्यादा देखने को मिल रही है सबर में शेख की जानब से और वो जानते हैं कि जो शॉट है प्रॉपर मिडल नहीं होगा वो फिल्डर के हाथ में चला जाएगा वो बॉल जी हाँ आपको पता है कि उनको ये अंदाज़ा है कि आगे टेल मौजूद है अगेन अ गुड डिलीवरी और इसी के साथ अरसल शेख का ये ड्रामा ये ओवर अपने इख्ताम को पहुँचा उन्नीस ओवर्स के बाद एक सौ चार पे आठ लिबा से इस वक्त विकेट पर मौजूद हैं पंजाब लॉयस की जानब से अब तक इन्होंने बड़ा शानदार खेला है सब बैटर्स अगर देखे जाए तो किसी ने इतनी अच्छी बैटिंग नहीं की लेकिन तालिबासीम जबरदस्त शानदार उन्होंने बॉल की दौलत यहां पर आ चुके हैं आखिरी अवर है ये और ये बड़ा खूबसूरत नेशनल पार्क का हमारे कैमरामैन में मंजर को एक्सपन करते हुए और तलिब आसम की आपने बात की एक तरफ से पंजाब लाइन्स के तमाम तर बल्लेबाज विकटें गवाते रहे दूसरी तरफ तलिब आसम सीसा पिलाई साबित हुए और ये बड़े कीमती रन बना रहे हैं कम अज़ कम डिसेंट टोटल की जानब जा रहे हैं अगर तालिब म के रन निकाल दिए जाएँ तो इनकी टीम के रन कुछ पीछे इतने खास बचते नहीं हैं बड़े कमाल और कम्पैक्ट अंदाज में अपनी इनिंग्स को बिल्ड किया तालिब आसिम ने इस ऑल इम्पॉर्टेंट क्रोशल नॉक में दौलत जादरान को कुछ साइम अयूब की तरह खेलना चाहते थे रिवर्स स्वीप करना चाहते थे लेकिन नाकाम रहे दौलत जादरान आज बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है और इनका राज रहा है नेशनल अयूब पार्क रावलपिंडी में जी हाँ जे भी राज क्यों ना रहे आपने अगर बयासी ओडीआईस खेले हों वो भी और इसी साथ जोरदार शॉट था इसको पुल किया गैप में खेले और कमाल का चौका लगाने में कामयाब हुए जादरान को और थोड़ा सा इशारा करने के समझ जाए कोई मसला नहीं मैं संभाल लूंगा जी हाँ ये रिप्ले में आप देख सकते हैं तेज बॉल था ये और अच्छा शॉट खेला चार रन्स यहाँ पर मिले तो बेहतरीन यहाँ पर बाउंड्री लगाने में कामयाब रहे तालिब आसिम बड़ी शानदार बैटिंग दौलत जादरान एक बार फिर से इस बार यहां पर शॉर्ट किला है कवर की पोजीशन पर फिल्डर मौजूद है दो रन की यहां पर कॉल थी और डायरेक्ट थ्रो और यहां पर यकीनी तौर पर फैसला अब देखना बाकी अंपायर का आई थिंक सो ये रन आउट है। हो चुके हैं क्योंकि डायरेक्ट थ्रो लगे काफ़ी तेज़ आया जी हाँ डायरेक्ट थ्रो काफ़ी टेंचस होता है दौलत जादरान का जिस तरह सेलिब्रेशन का अंदाज़ था लग ये ही रहा है कि ये आउट होगा आप देखते हैं जल होती हुई इस्लामाबाद हॉक्स की टीम और दौलत जादरान की हम बात कर रहे थे तो ये इस वक्त मशवरे भी देते हुए इनके पास लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस है 2011 से लेकर 19 तक ये अफगानिस्तान की नेशनल टीम का हिस्सा थे आजकल इनके सक्सेसर फजल फारूकी फ़रीद खान नवीन अल्ह जैसे लोग हैं और इस वक्त मशावरत जारी उसारी आप देख सकते हैं इस्लामाबाद हॉक्स के दरमियान और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही बॉलिंग डिपार्टमेंट में इस्लामाबाद हॉक्स की इस बॉलिंग टैंक को लीड करते हुए दौलत जादरान इन्होंने अपनी क्रिकेट का बेशतर हिस्सा रावलपिंडी इस्लामाबाद में खेला फ्री प्ले आपके सामने फंबल ज़रूर हुए थे अरसल शेख और कमाल का डायरेक्ट थ्रो बहुत दूर से एंड डेट्स गॉन आई थिंक सो थोड़ा सा अगर इसको स्लो किया जाएगा तो हमें ये अंदाज़ा होगा अंपायर्स को भी अंदाज़ा होगा देखिए क्लोज़ नहीं बल्कि बहुत दूर हैं और ये देखिए अभी तक सिर्फ बल्ला ही फ्रेम में है कमाल कैमरा वर्क और गॉन फिनेटली वापस जाना होगा अंपायर कंफर्म करते हुए एनआउट अंपायर को भी दाद देनी होगी कमाल अंपायरिंग आज के दिन तो एक और विकेट यहां पर गिर गई और सेट बैट्समैन वापस यहां पर जा रहे हैं तालिबा सिम अच्छा इन्होंने खेला अपनी टीम के लिए मुश्किल वक्त में चालीस गेंदों का इन्होंने सामना किया छत्तीस रन बनाने में ये कामयाब रहे आखिरी चंद गेंदे खेलने के लिए आखिरी बल्लेबाज आ चुके हैं और इतनी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं रही पंजाब लाइन्स की तालब आसिम के अलावा दौलत जादरान बिल्कुल रेडी हैं तमाशाइयों की बड़ी तादाद आज ऐब नेशनल पार्क रावलपनी में मौजूद दौलत जादरान यहाँ पर तैयार हैं ब्रिलियंट डिलीवरी एंड सेंड ऑफ द इनिंग्स पंजाब लाइन्स की टीम के तमाम थरबल्लेबाज आउट हो चुके हैं बड़ी जबरदस्त और बड़ी शानदार बॉलिंग दौलतान की जानब से असैन क्या कहेंगे इस डिलीवरी पर जी हां कमाल डिलीवरी और दौलत जादरान आज के दिन के स्टार बॉलर रहेंगे अली हसन आठ बॉल पर पांच रन बनाए अच्छी यहाँ पर डिलीवरी थी और दौलत सात ने यहाँ पर किल्ली उखाड़ दी तो आज यहाँ पर इनिंग्स रा, में इस्लामाबाद हॉक्स के बॉलर्स का बड़ी मायूसी के साथ वापस जाते हुए इस्लामाबाद हॉक्स के पंजाब लाइन्स के सितारे इस्लामाबाद हॉक्स इस वक्त टीम हर्डल करते हुए एक सौ नौ बनाने में कामयाब हुई पंजाब लाइन्स की टीम तलबासम की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत थोड़े थोड़े रन शाहरुख खान शाहरुख चंद ने भी किए और ये ग्राउंड्स को इस वक्त शबनम के कतरू से दूर किया जा रहा है अच्छा वर्क मार्क और मैनेजमेंट की जाने से टीम हर्डल जारी और ये मंजर देख सकते हैं स्पोर्ट्स इन्फो पाकिस्तान प्रोडक्शन और चांद का ये मंज़र अयूब नेशनल पार्क चार चांद लगा दिए इस टूर्नामेंट को प्रोडक्शन टीम ने बड़ा शानदार कैमरा वर्क और जितनी तारीफ की जाए कम है स्पोर्ट्स इन्फो की टीम की रमजान कप 2023 पहले इनिंग्स का खेल मुकम्मल हो चुका ऑल आउट हुई पंजाब लाइन्स की टीम इस्लामाबाद हॉक्स बॉलिंग समरी दौलत जादरान थ्री विकेट्स फोर्टीन रन इसके साथ एक विकेट लेने में कामयाब हुआ असदुल्ला और दो विकेट अपने नाम की खुरम शहजाद और अरसल शेख ने बड़ी नबीतुलिया में अब बॉलिंग देखने को मिली है इस्लामाबाद हॉक्स की जानब से और सिर्फ नौ रन इन्होंने एक्स्ट्रा के दिए कल के दिन आपने देखा था कि एक्स्ट्रा के अच्छे खासे रन दिए थे और ये ग्राफ है पार्टनरशिप उबैद शाह और तालिब आसिम के दरमियान एक बड़ी हमें देखने को मिली उसके साथ कोई भी बैट्समैन विकेट पर टिक करना खेला पंजाब लाइंस बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी शानदार बॉलिंग इस्लामाबाद हॉक्स की जानब से शुरू से ही इनकी विकेटें गिरती रही और एक लम्हे पे टीम को संभाला ज़रूर था नासिम तलिब और उबैद शाह ने पहली इनिंग्स में एक सौ नौ रन बने और इस्लामाबाद की टीम दस विकेट्स लेने में कामयाब हुई उन्नीस ओवर्स में इस खेल का अख्ताम किया दो तो बाल बाकी थे पंजाब लायंस के पास मौजूद हैं तालिब असलम पंजाब लायंस की टीम की तरफ से जिन्होंने 37 सेवन रन स्कोर किए हैं फोर्टी वन डिलेवरी से तालिब आज आप लोग इतना अच्छा इतने अच्छा स्कोर स्कोर बोर्ड पर नहीं लगा सके फॉलो विकेट्स बहुत अर्ली हुई थी तो क्या आपको लगता है कि बैटिंग की कंडीशन या पिच मुश्किल थी आज के दिन जी बिल्कुल पिच काफ़ी नीचे से हमें ड्राई नहीं लग रही थी काफ़ी गीली थी नीचे से तो यही था स्टार्टिंग में अर्ली विकेट्स हमने लूज की तो प्लान बाद में यही था कि हम इसको लंबा ले ड्रा करके लेकर जाएं ताकि एंड पे स्कोर कर सकें बिल्कुल और आपने अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाए लेकिन पहला मैच भी आप लोगों का देखे और अभी आज का मैच भी तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों को बैटिंग ऑर्डर में कुछ डिफरेंटली करना चाहिए कि आप लोग ज़्यादा स्कोर बना बना सकें बिल्कुल जी हम ओपनर्स को चाहिए कि वो थोड़ा सा बिल्कुल एग्रेसिव हो के ना खेलें कि बिल्कुल विकेट लूज़ हो थोड़ा सा प्लान करके खेलें कि हमने पावर प्ले को किस तरह यूटिलाइज करना है ताकि हम अच्छा स्कोर दे सकें डेफिनेटली देखिए टी ट्वेंटी फॉर्मेट है तो उस पर आप चाहेंगे कि आपके ओपनर्स आके ज़्यादा अग्रसिवली खेलें जी बिल्कुल हमें एटलीस्ट पावर प्ले में 50 प्लस रन होने चाहिए एंड विद द फॉल ऑफ वन विकेट्स नॉट मोर देन वन विकेट्स ताकि नीचे जो बैट्समैन है उनको प्रॉपरली वो अपनी गेम को लेकर चल सके और टू प्लस स्कोर कर सके अच्छा स्कोरबोर्ड पर इतने ज्यादा रन इतना बड़ा रन चेस नहीं है जो उन्हें करना पड़ेगा तो आप आप लोग क्या करेंगे आगे इसको डिफेंड करने के लिए कि आप लोग ये मैच जीत सकें जी प्लान ये है कि राइट एरियाज पे बॉल करें क्योंकि विकेट काफ़ी मुश्किल है इन्होंने आज विकेट चेंज किया है तो विकेट पे काफ़ी बॉल ग्रिप हो रहा है तो अर, हम राइट एरियाज पे पिच करेंगे तो अर्ली विकेट्स मिलने का चांस है वेल थैंक्स फॉर फॉर टॉकिंग एंड बेस्ट ऑफ ऑफ लक द द द रेस्ट गेम नाउ लेट्स गो बैक टू Of Lyon. fast sports steve davis won 6 stephen hendry won 7 can ronnie o'sullivan go one step further and win an eighth crucible title the kazoo world championship april 15th to may 1st live It's close Sullivan on home soil in Essex has made it through. It's just rhythm more than anything that he's searching for. One of the big favourites, and of course hasn't won the title since 2010. 31, 75. has been total class Seven. Can Ronnie O'Sullivan go one step further and win an eighth Crucible title? The Kazoo World Championship, April 15th to May 1st, live. Welcome back, Ramzan Cup, Markor. इस वक्त दूसरी नीज का खेल शुरू होने के बिल्कुल 110 पंजाब लाइन्स की टीम इस्लामाबाद हॉक्स के लिए टारगेट बहुत आसान है अब देखना होगा इस्लामाबाद हॉक्स से कैसी इस्लामाबाद हॉक्स इस वक्त इस्लामाबाद हॉक्स के इस वक्त ओपनिंग बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज इस वक्त ग्राउंड में पहुंच चुके हैं ग्राउंड में मौजूद हैं इस वक्त पिच पर मौजूद हैं इस्लामाबाद हॉक्स के दोनों ओपनिंग बैट्समैन सैयद इसरार अली नसर उल्ला खान अरसल शेख ये तमाम तर प्लेयर्स इस्लामाबाद की टीम का हिस्सा हैं इस्लामाबाद हॉक्स का यहाँ पर सेकेंड इनिंग्स का आगाज़ होने को जा रहा है सेकेंड इनिंग्स का यहाँ पर आगाज होने को जा रहा है रमजान कप 2023 एक बड़ा मैच है लेट्स सी किस तरह का आगाज होता है किस तरह की बॉलिंग होती है पंजाब लाइन्स की जानब से उबैद शाह पहला ओवर लेके आए हैं पंजाब लाइन्स की तरफ से बहुत नबी तुली बॉलिंग करवानी होगी पंजाब लाइन्स को जिस तरह का स्कोर है पंजाब लाइन्स के पास गलती की गुंजाइश नहीं एक्स्ट्रास की गुंजाइश नहीं और जुबैर आपको ये भी पता है कि यहाँ पर बॉल सही से ग्रिप नहीं होगा एक दो ओवर्स के बाद सैद इसरार अली स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद हैं शाविज़ इरफान को आप देख सकते हैं और बड़ा खूबसूरत कैमरा वर्क और अंपायर की जानेब से इस खेल का आगाज़ हो चुका है दूसरी इनिंग्स का सैद इसरार अली को भी ध्यान से खेलना होगा शुरू में अगर विकेट्स गवाई इस्लाबाद हॉक्स की टीम ने मुश्किल हो जाएंगी उनके लिए जी हाँ दुरुस्त आपने कहा और उबैद शाह यहाँ पर पहला बॉल करने को जा रहे हैं पंजाब लाइन्स की तरफ से हेयर वी गो फर्स्ट डिलीवरी ऑफ द ओवर और पहला बॉल फ्लिक किया और गेंद फाइन लग की बाउंड्री से बाहर चला गया चार रन के साथ यहां पर आगाज सैयद इसरार अली का इस्लामाबाद हॉक्स के लिए जी हां ड्रामा यह आगाज हो चुका है और इस तरह के आगाज की उम्मीद पंजाब लाइन्स से थी लेकिन अब सीद इसरार अली ने जिस तरह का आगाज किया है लगी रहा है कि पिच ख़राब नहीं था और पहली बॉल पे बाउंड्री मिली है इस्लामाबाद हॉक्स की टीम को ड्रीम स्टार्ट हो गई जी हाँ लाइन अच्छी नहीं थी उबैद शाह की जानब से लेग ये बॉल था और कलाइयों के सहारे खेला और गेंद दन आते हुए गई फाइन लैग की बाउंड्री से बाहर चार रन के लिए उबैद शाह एक बार फिर से तैयार इस बार यहाँ पर बाबर आजम की तरह कवर ड्राइव खेलने की कोशिश अच्छी थी लेकिन मिडल नहीं किया था इस बॉल को सैद डिलीवरी बाबर आजम की तरह कवर ड्राइव तो जरूर खेला था लेकिन प्लेसमेंट नहीं थी सैद इसरार अली अच्छा आगाज फराम कर चुके हैं अपनी टीम को और उबैद पे अब थोड़ा सा प्रेशर जरूर होगा पहली बॉल पे बाउंड्री कंसीड की यंगस्टर हैं एनर्जी इनमें मौजूद है कुछ भी कर सकते हैं यासिर खान उनके पास गए और उनके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी मौजूद है आप देख सकते हैं क्राउड भी मौजूद है डाउन द लेक् डिलीवरी खराब गेंदबाजी इस तरह की बॉलिंग बिल्कुल सहारा नहीं देगी उबैदुल्ला खराब गेंदबाजी करते हुए जब बोर्ड पर रन कम हो और इस तरह की लाइन पे आप बॉल करें तो यह काबिल कबूल नहीं है वाइड बॉल अंपायर का यहाँ पर सिग्नल पहले धाबर का इस वक्त खेल जा रही हो सारी है सैयद इस अली इस वक्त इस्लामाबाद हॉक्स की जानब से स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद है तीसरा बॉल और इस बार यहाँ पर ओह नॉट अ गुड फील्डिंग ये अच्छी फील्डिंग नहीं है ये अच्छी फील्डिंग नहीं है थोड़ी जल्दी है यहाँ पर पंजाब लाइन्स को मैच ख़त्म करने की जल्दी जल्दी भी बैटिंग की एक रन बनाए और अब उबैद की जानब से भी ख़राब गेंदबाज़ी और फील्डर भी तो यही कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द मैच को ख़त्म किया जाए पंजाब लायंस जल्दी नहीं करनी उन्हें क्योंकि अगर जल्दी बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो टूर्नामेंट से भी बाहर हो सकते हैं उबैद शाह पचानवे नंबर की जर्सी पहने इस वक्त बॉलिंग के निशान पर मौजूद हैं शाइकी ने क्रिकेट की आज एक बड़ी तादाद नेशनल पार्क रावलपिंडी में मौजूद है उबैद शाह थे यार और दैट्स अ गुड लेंथ दैट्स अ गुड डिलीवरी थर्ड मैन पर ये बॉल जा रही थी फील्डर वहाँ पर मौजूद थे एक रन का यहाँ पर इजाफा अच्छी लाइन देखने को मिली आखिरी बॉल उबैद शाह की जानब से लेंथ के ऊपर ये बॉल पिच हुआ और उसी तरह रिस्पेक्ट से खेले इसरार इसरार की अच्छी बात यह है कि बैट डिलीवरीज पे कैपिटलाइज कर रहे हैं और क्राउड भी अपनी नज़रें जमाए हुए क्रिकेटर की जानब से आज कौन पच्चीस हज़ार रुपया लेकर अपने घर जाएगा इसका इंतज़ार है क्योंकि आज जितने छक्के नहीं लगे पहली इनिंग्स में अच्छा गेंद था इसको खेला है किसी रन कोई इजाफा नहीं असल लकत पच्चीस हज़ार रुपये क्रिकेटर की जानब से आपके दिल में भी लड्डू फूट रहे होंगे पच्चीस हज़ार रुपये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट जी हाँ दिल तो यही करता है कि कॉइन बॉक्स से बाहर जाएँ और कैच करें लेकिन ये ख्वाहिश ही है हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले आखिरी यहाँ पर बॉल होने को जा रहा है उबैद शाह थे आ रहे हैं सामने इस वक्त सैयद इसरार अली अच्छा यहाँ पर बॉल था दैट्स अ गुड डिलीवरी एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर पहले ओवर के अख्ताम पर स्कोर का मजबूत सात बगैर किसी नुकसान के पर बॉलिंग के लिए आए पंजाब लाइन्स की तरफ से नसीर उल्ला खान स्ट्राइक पर होंगे मौजूद अच्छा आगाज है इस्लामाबाद हॉक्स के बल्लेबाजों का और मोहतात अंदाज में उन्हें बैटिंग करनी है स्लिप के साथ पहला बॉल ओ अच्छा बॉल नेहायत उमदा डिलीवरी शानदार डिलीवरी काजम शाह की जानब से और ये खतरनाक अजाइम है में काजिम शाह की जिस लाइन को उन्होंने हिट किया ये अच्छी लाइन थी एट दैट ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग जी हाँ काजिम शाह का अच्छा आगाज लेकिन इस बॉल पे इनकी तारीफ बिल्कुल नहीं बनती वेवर डिलीवरी वाइट बॉल करवाते हुए और जब भी आप फजूल खर्ची करते हैं उसका फ़ायदा अपोजिशन को जरूर होता है थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं ये बॉल भी अच्छा गेंद था बॉल पड़ने के बाद थोड़ा सा राइज हुआ और बैट के ऊपर वाले किनारे पे ये बॉल लगा इनके बॉलिंग एक्शन को देखते हुए सुनील नारायण की याद आती है वेस्ट इंडीज से खेलते थे सुनील नारायण अच्छा यहाँ पर बॉल काजम शाह की जानब से और ये अच्छा नहीं है ये सिंगल्स देना और प्रेशर बिल्डअप होता है जब आप डॉट डिलीवरीज खेलते हैं जब सिंगल आप लेते हैं तो आप रिलैक्स होते हैं जितना रन बोर्ड पर लगाया है पंजाब लाइन्स की टीम ने उनको थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए और अटैक करना चाहिए क्योंकि ये रन्स बचने के काबिल नहीं है मेरिकल ये रन्स बचा सकता है और अटैक करेंगे प्रेशर बिल्ड करेंगे तो विकेट्स मिल सकते हैं ये गेंद भी अच्छा गेंद था परफेक्ट लाइन और अच्छी खासी यहाँ पर बॉल मूव हो रही है कासिम शाह की ये देखें आप बॉल काफ़ी टर्न हुआ है और पढ़ने के बाद थोड़ा सा बाहर गया था ये बॉल अच्छा कलेक्ट किया इस बॉल को शाफेज इरफान ने ओ ब्रिलियंट डिलीवरी एंड दैट्स अ विकेट जिस विकेट की तलाश में थे काजिम शाह वो कामयाबी उन्हें मिल चुकी है पहली विकेट यहां पर गिर गई इस्लामाबाद हॉक्स की माय गुडनेस, माई अ बिग विकेट जी हाँ कमाल विकेट और एक ही लाइन पे बॉल करवा रहे थे और उस लाइन पे स्टिक रहे उसी पे बॉल करवाते रहे और विकेट लेने में कामयाब ये देखिए यही लाइन उन्होंने कमाल यहाँ पर स्पिन मिला काजिम शाह को और एच के बदौलत पहला विकेट अपने नाम करने में कामयाब इसली पाँच हजबनाजा के सात गेंदों पर हाँ तो पहले विकेट यहाँ पर गिर चुकी है और अब जैन फारूक नया लेवल बैट्समैन है जैन फारूक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन और काजिम शाह का एक बॉल मजीद बाकी है बड़ा अच्छा बड़ा शानदार ओवर अब तक काजिम शाह का स्नैन जी हाँ कमाल ओवर अभी तक सिर्फ दो रन दिए एक दफा फिर आप ये देख सकते हैं कमाल का बॉल था काजिम शाह की जुबिलेशन हाथ छुपा के बॉल करते हैं और ये का इंतजार किया और इसको बड़ी आसानी के साथ डिपॉजिट किया स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर जैन फारूक आते ही एंट्री डालते हुए और कमाल की बाउंड्री दो ओवर्स के बाद तेरह एक विकेट के नुकसान पे सीर खान और जैन फ़ारूक विकेट पे मौजूद जैन फ़ारूक ने आते ही चार रन लगाए और ख़तरे की घंटी बजाई है पंजाब लाइन्स के लिए रिक्वायर्ड रेट इतना ज़्यादा नहीं है सतानवे रन बाकी है नौ विकेट्स इनके हाथ में है अठारह ओवर्स की गेम अभी भी बाकी है और जेबी मैं समझता हूँ कि इस लम्हे में इस्लामाबाद हॉक्स की टीम को भी थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी कल जाके रन रेट के ऊपर भी बात रुक सकती है अच्छा गेंद इसको कलाइयों के खेला डी पॉइंट के ऊपर मौजूद एक रन का इजाफा जी हाँ दुरुस्त आपने फरमाया और ये पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करना पड़ेगा यहां पर जैन फारूक और उनके साथी बल्लेबाज को जैन फारूक लेफ्टी और राइटी कॉम्बिनेशन हसैन आपने जब भी देखा है क्रिकेट में तो बॉलर के लिए थोड़ा लाइन और लेंथ पर बॉल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है जी हाँ कॉम्बिनेशन हमेशा right से खतरनाक होता है और पंजाब के लिए सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि विकेट्स लेने हैं और विकेट्स ही उनको यहाँ पर मैच जितवा सकते हैं मैच में वापसी करवा सकते हैं अदर इन डैड जिस तरह अभी तक बॉल बल्ले पे आ रहा है जैन फारूक ने आते ही बाउंड्री लगाई और इस वक्त अपनी फील्डिंग को सेट करते हुए उबैद शाह बड़ी टैलेंटेड बॉलर हैं यंगस्टर हैं और इनके लिए मौका है एक बड़े लेवल पे एक बड़े अरीना में ये क्रिकेट खेलते हुए मार्को रमज़ान कप एक और अच्छा गेंद और बिल्कुल अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर फील्डिंग करते हुए थ्रो किया था लेकिन बैकअप में फील्डर मौजूद थे ये अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि क्विक सिंगल्स ले रहे हैं इस वक्त दोनों बल्लेबाज और प्रेशर अपने ऊपर नहीं ला रहे डाउट डिलीवरी खेलने से प्रेशर आता है यहाँ पर और इस वक्त दोनों जो बल्लेबाज हैं वो अच्छा खेल रहे हैं उबैद शाह के सवर में उबैद रहे हैं आज बैटिंग अच्छी की है अपनी टीम के लिए और रबू ने बॉलिंग में कमाल कर दिखाना है विकेट हासिल करके देनी पड़ेगी अपने कप्तान उम्मीदों पर उन्हें पूरा उतरना है इस बड़े मैच में नसीर खान इस वक्त स्ट्राइक पर मौजूद हैं एक बार फिर से यहां पर सॉफ्ट हैंड के साथ ये बॉल खेला था और यह अच्छी डिलीवरी थी उबैद शाह की से अच्छी लाइन लाइनों लेंथ उबैद शाह की और इसी तरह की लाइन लाइनों लेंथ बरकरार रखनी होगी प्रेशर बिल्ड करना होगा इस्लामाबाद हॉक्स के बल्लेबाज पलक चपकते ही इस मैच को चेंज कर सकते हैं नसीरुल्लाह खान इनमें भी सलाहियत मौजूद है बड़े शॉट्स खेलने की और जिस तरह मैंने कहा था खराब गेंद थी और इस पे कैपिटलाइज जरूर किया लेकिन फील्डर मौजूद थे एक उमदा कैच बड़ा विकेट लेने में कामयाब हुआ शाह एक और नुकसान एक और धचका ये रिप्ले में आप देखें डरे डरे यह शॉट खेला था और गेंद गई फील्डर के महफूज हाथों में फाइनलग के फील्डर ने कोई गलती नहीं की और एक और नुकसान नसीर उल्ला खान बोझुल कदमों के साथ पवेलियन वापस रवाना एक और नुकसान इस्लामाबाद हॉक्स को दो विकेट्स गंवा चुकी इस्लामाबाद हॉक्स की टीम अरसल शेख कप्तान ने पार्टी को ज्वाइन किया है और यहाँ पर एक जिम्मेदाराना इनिंग्स खेलनी होगी अगर एक आध विकेट और गिर गई तो जुबैर आपको पता है लो स्कोरिंग गेम इंटरेस्टिंग हो जाती है अब संभल के खेलना होगा और ये दो विकटें रन रेट को जरूर स्लो डाउन करेंगी शाह अच्छा। जिन्होंने बड़ी कामयाबी समे है लास्ट बॉल पर नसीिर खान की विकेट उन्होंने हासिल की डिलीवरी ब्रिलियंट शॉर्ट पेस डिलीवरी थी नास्टी डिलीवरी थी और सरप्राइज दिया है अरसल शेख को ये पहली बॉल फेस कर रहे थे अपनी इनिंग्स की अच्छा इस्तबाल उबैद शाह की जानब से और पेसर के लिए ये डिलीवरी बड़ी चैन देती है पेसर को इस तरह का बाउंसर और अरसल अर्सल बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे <coughs> जिम्मेदार ने उस खेलनी होगी कैप्टनसी का बोझ भी इनके कंधों पे है और उबैद शाह बड़ा ज़बरदस्त ओवर करवा दिया अभी तक सिर्फ दो रन दिए डाउन द लेग साइड वेवर डिलीवरी जो ही हमने इनकी तारीफ की तो कहा नहीं ये जब जब हम तारीफ करने लगते हैं नजर लग जाती है वाइट बॉल कर दी यहाँ पे शाह ने और ये वो शॉट था जो अच्छा शॉट नहीं था फाइन लग की फील्डर बाउंड्री रोप पर मौजूद थे और ये प्लान था उबैद शाह का कि शॉर्ट पिच डिलीवरी की जाएगी और जिस पर उन्हें कामयाबी मिली जी हाँ उबैद शाह अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में कामयाब हुए और नसीर ने फील्डर के हाथ में कैच थमाया थोड़ा सा वाइड डिलीवरी थी अच्छी फील्डिंग प्लेसमेंट अच्छी नहीं कर सके तीन वर्ग का खेल मुकम्मल और सोलह इस्लामाबाद हॉक्स का मजबूत स्कोर दो विकेटों के नुकसान पर चौथे ओवर का यहां पर आगाज होने को जा रहे हैं और आपने टीवी स्क्रीन पर रहना है फास्ट स्पोर्ट्स चैनल पर रहना है यह मैच इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला फारूक पर अच्छा शॉट है लेकिन फील्डर यहां पर मौजूद काजिम शाह जैन बड़ी अच्छी लाइन को ये हिट कर रहे हैं और बड़ी अच्छी वेरिएशन इनके पास मौजूद हैं सिकंदर रजा जो बड़ी अच्छी बॉल सिकंदर रजा जो नुमाइंदगी कर रहे थे लाहौर अंदर की बिल्कुल वो भी बॉल कुछ तो छुपा के लाते थे और आखिरी टाइम पे बॉल को छोड़ते थे तो ये काजिम शाह भी कुछ इसी तरह की बॉलिंग कर रहे हैं जी हाँ मुश्किल क्रिएट किए हुए और यहाँ पर अपील जरूर की लेकिन डाउन द लेग साइड था और बल्ले से भी लगा एक्साइटमेंट काफी शो की थी <laughs> काजिम शाह ने <laughs> और <laughs> उन्होंने सोचा कि बॉल लग गई स्टम्प्स के साथ लेकिन डॉट डिलीवरी अच्छे पैशन के साथ यहां पर खेल रहे हैं एक और अच्छा बॉल एक और बेहतरीन डिलीवरी जितने तारीफ की जह कम है काजिम शाह की फोर कंजेकेटिव डॉट डिलीवरी प्रेशर बनाए रखा हुआ है काजिम शाह ने और इसी का फ़ायदा पिछले ओवर में हमें विकेट की सूरत में देखने को मिला काजिम शाह को भी विकेट मिली उबैद को भी विकेट मिली और ज़ैन फारूक और अरसल शेख इस वक्त अंडर प्रेशर हैं अगेन वेरी गुड डिलीवरी बिल्कुल स्टम्प्स को टारगेट किया हुआ है काजिम शाह ने कोई मौका नहीं दे रहे अपनी बाहों को खोलने का ज़ैन फारूक यहाँ पर सिर्फ बॉल डॉट्स कर रहे हैं और ये अच्छी स्ट्रेटजी है क्योंकि इतना ज़्यादा स्कोर नहीं है अगर विकेट पर रहेंगे तो ये स्कोर इजीली अचीव कर सकते हैं लेकिन ये सैन बहुत ज़्यादा डॉट डिलीवरीज खेलना भी नुकसानदेह है स्ट्राइक को आपने रोटेट करते रहना है फाइनल डिलीवरी इस बार यहाँ पर फील्डर मौजूद हैं और किसी भी रन का इजाफा नहीं ब्रिलियंट ओवर एक्सिलेंट बॉलिंग फ्रॉम काजिम शाह एंड ऑफ द ओवर सोलह दो विकेटों के नुकसान पर शेख बिल्कुल तैयार खड़े एक और अच्छा गेंद पिछले कदम पर गए इसको धकेला लेकिन फील्डर मौजूद थे उबैशा भी काजिम की तरह अच्छी बॉलिंग करवाते हुए और दोनों ने प्रेशर बिल्ड किया हुआ और सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाते हुए बड़ी तगड़ी हमें बॉलिंग देखने को मिल रही है पंजाब लाइन्स के बॉलर्स की जानब से और इस वक्त पलड़ा भारी है पंजाब लाइन्स के बॉलर का इस मैच में कुैर शाह इस बार यहां पर अच्छा बॉल करने में कामयाब रहे एक और डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली है तो डॉट डिलीवरीज यहाँ पर खेल रहे हैं इस्लामाबाद हॉक्स के बैट्समैन मैं पहले भी बात कर रहा था कि स्ट्राइक अगर रोटेट नहीं करेंगे तो प्रेशर बिल्डअप होता जाएगा तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी जरूर टोटल छोटा है इतना बड़ा टोटल नहीं है लेकिन सोच समझ कर आपको खेलना पड़ेगा जी हाँ अच्छा डिप करवाया था उबैद शाह ने गेंदोर वन थी लेकिन सिंगल चुराने में कामयाब होंगे डेट वॉज ए क्लोज कॉल अगर स्टम्प्स को टकरा जाती शाहरुख चंद किए गेंद तो यकीनी तौर पर यहाँ पर कुछ नुकसान भी हो सकता था इस्लामाबाद हॉक्स की टीम को आप देख सकते हैं स्टोर वन था रनिंग अच्छी की लेकिन खतरे से कम नहीं थी डेट वॉज ए क्लोज कॉल लेकिन विकेट के करीब नहीं था ये बॉल सिंगल लेने में कामयाब रहे अरसल शेख स्कीपर इस्लामाबाद हॉक्स के जैन फारूक अब तक आठ बॉलें हैं इन्होंने तो फेस किए हैं और पाँच रन्स ये बनाने में कामयाब हुए हैं इस्लामाबाद हॉक्स हॉक्स की टीम खेल लिए उबैद शाह यहाँ पर तैयार हैं चौथा बॉल यहाँ पर होने को जा रहा है बड़ी अच्छी और शानदार लाइन लेंथ पे बॉलिंग अब तक उबैर शाह की जानब से ओ अच्छा बॉल था बेहतरीन डिलीवरी थी ऑफ औप की लाइन पे था ये बॉल और ये वो लाइन अगर पहले इनिंग्स में भी देखा जाए तो इस लाइन पे जितने बॉल्स किए गए हैं तो डॉट डिलीवरीज मिले हैं हल्का सा मूव भी हुआ ये बॉल और यहाँ पर बाल बाल बचे हैं एच भी हो सकता था अंडर प्रेशर जरूर है किसी न किसी हद तक जैन फारूक शेख और इस मझदार से अपनी कश्ती को निकालना होगा दोनों इस्लामाबाद के सितारों को पोटेंशल मौजूद है सिर्फ पर वक्त डिलीवर करना है इतना ज्यादा रन्स भी नहीं है डाउन द लेग साइड वाइट गेन करवाते हुए ओबैद शाह ऐसी गलतियों की गुंजाइश नहीं है लियाकत क्योंकि रन्स काफ़ी कम हैं और एक्स्ट्रा के जो एक्स्ट्रा के जो रन्स हैं ये ज़हर के माने थे इस मौके पर उबैद शाह यहाँ पर उन्हें अच्छी लाइन को हिट करना है डॉट डिलीवरीज़ उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और विकेट्स हासिल करनी है पंजाब लाइन्स के बॉलर्स ने ताकि एक अच्छा मैच यहाँ पर उनके चाहने वालों को देखने को मिले जी हाँ वाइट डिलीवरी के बाद अब रीलोड करेंगे अगेन डाउन द लेग साइड टू बैक टू बैक वाइट डिलीवरी लाइन को हिट करना चाह रहे हैं समझ से था रहे और दूसरी दफा यह गलती की है वो बैर ने और ये गलतियां उन्हें ज्यादा नहीं करनी क्योंकि पावर प्ले भी है और ज्यादातर फील्डर सर्कल के अंदर होते हैं तो बड़ा शॉट खेलने का मौका मौजूद है जैन फारूक के पास उबैर शाह यहां पर उम्दा शॉट, डाउन द ग्राउंड चार रन यहां पर मिलेंगे गेंद ग्राउंड से लगी लगी बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई जी हाँ शानदार शॉट लॉन्ग ऑफ से बाहर पहुंचा ये ज़ैन फ़ारूक का चौका कमाल शॉट दिलकश अंदाज में इसको यहाँ पर कैमरा मैन अक्स बंद करते हुए जैन फ़ारूक किसी हद तक रन्स बनाने में कामयाब हो चुके हैं दस गेंदों का सामना कर चुके नौ रन इस वक्त बटोर चुके हैं और अगर इसी स्ट्राइक रेट से भी खेलते रहे तो ये रन्स इतने ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे फारूक इन कंपनी के लिए फाइनल डिलीवरी ऑफ द ओवर और ये गेंद ऑफ़ स्टंप से ऑफ स्टंप की लाइन से बाहर थी अंपायर ने अपने दोनों भावों को फैला दिया व्हाइट बॉल की यहां पर काल अंपायर की जानव से एक्स्ट्रा ये अच्छा नहीं है पंजाब लाइन्स की टीम के लिए और शावेज़ इरफान पिक्टों के पीछे से दौड़ के आए थे और अब यहाँ पर मशवरा दिया है वैध शाह को और इस मशवरे के बाद कितना मौसर साबित होते हैं ये देखना बाकी है मारको रमज़ान कप 2023 का एक लो स्कोरिंग मैच और शायन क्रिकेट इस ठंड में मैच को एंजॉय करते हुए अच्छा यहां पर बॉल था और शानदार यहां पर क्विक सिंगल दैट्स एंड ऑफ द आवर 25 लॉस्ट ऑफ टू विकेट आफ्टर फाइव अवर जिम शाह एक दफ़ा फिर ऑपरेट करेंगे लगातार तीसरे ओवर के लिए और कॉम बॉक्स में हमें जॉइन किया है मायानाज कमेंटेटर के आसिफ ने खुश आमदीद बहुत शुक्रिया हसनैन लियाकत और ज़ुबैर अब्बासी आपका साथ दे रहे थे जैन फारूक अरशद शेख ये बात हमने पिछली इनिंग्स में की थी अगर सौ से ज़्यादा रन बन गए तो फिर इस्लामाबाद हॉक्स के लिए भी मुश्किल होंगी काजिम शाह जो कि कप्तान है इस दफा ऊंचा खेले हैं देखना यह गेंद ये के क्या फील्डर के थोड़ा सा आगे गिरी अच्छी कोशिश फील्डर की काजिम शाह यकीन नहीं कर पा रहे कोशिश के सौ नंबर देने होंगे और बाउंड्री भी बची है यह देख सकते हैं आप कोशिश बहुत ही उमदा थी काजिम शाह बड़े इंपैक्टफुल रहे इससे स्पेल में तीसरा ओवर जारी है और ये एक और रेक कैमरे से आप देख सकते हैं इसकेले के ऊपर एक्जैक्टली फील्डर तैनात थे और अच्छी एफर्ट असनान अब इस पिच के ऊपर जब भी आप चार्ज करने के लिए जाएंगे तो हमने देखा कि यही गलती कर रहे थे इस्लामाबाद हॉक्स के प्लेयर्स भी के बजाय के ग्राउंडेड शॉट खेलते स्ट्राइक को रोटेट करते अब यहाँ पर जब भी बड़ी शॉट लगाने की कोशिश करेंगे तो गेंद फील्डर के हाथों में जा सकती है अब इन दोनों बैटर्स के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि लंबी इनिंग्स खेल जाएं, लंबी पार्टनरशिप करें जी हाँ इस बॉल के बाद डिस्कस करते हैं और तवा शॉट अगेन और यहाँ पर आउट हो गए और जैन फारूक का विकेट लेने में कामयाब काजिम शाह दुरुस्त कहा कि आसिफ ने बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश में एक बार फिर नाकाम फारूक यही तस्करा हो रहा था कि आपने शॉट बनाने नहीं है गेंद का इंतजार करना है और लूज डिलीवरी के ऊपर रन करने जाना है लेकिन जैन फारूक न, क्योंकि मुझे सुन नहीं पा रहे थे इसलिए वो गलती कर गए इस तरह ये तीसरी विकेट यहां पर गिर गई सताइस तीन थी विकेट के नुकसान पर जैन फारूक ने ग्यारह रन बनाए आसिफ आज जब ये दोनों टीम्स घर जाएंगी और लाइव ब्रॉडकास्ट को वापस देखेंगी तो इनको आपकी बात ज़रूर याद आएगी जो आपने कोट किया था माइकल बेवन का कि सिंगल लगाना कितना ज़रूरी है और इस सिचुएशन में सिर्फ सिंगल की ज़रूरत है इंटेलिजेंट बैटिंग की ज़रूरत है ना कि उड़ते हुए शॉट्स की और जिस तरह ज़ैन फारूक ने अपना विकेट मैं समझता हूँ कि बिल्कुल पेश किया तोफाता कि ये मेरा विकेट ले लिया जाए जी हाँ दुरुस्त कहा अब इमरान आए हैं बैटिंग करने के लिए और देखना यह है कि इमरान अली यहाँ पर कितनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं अरसल शेख उनके कप्तान उनके साथ हैं काजिम बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए तेज़ गेंद किया और ऐसा अमूमन शाहिद आफरीदी करते थे कि जब नया बैटर आता तो पहली गेंद तेज़ करते थे क्योंकि बैटर एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप एक स्पिनर जो है वो फास्टर वन करेगा जी हाँ ये देख सकते हैं आप ये विकेट तोहफा दिया तरह मैंने पहले बोला और शायद अफरीदी का आपने जिक्र किया अफरीदी जो भी करते थे कमाल करते थे और एक और फ्लाइटेड डिलीवरी थी और कुछ रन जरूर मिलेंगे और यकीनी तौर पर बाउंड्री मिलेगी चार रन पैथेटिक फील्डिंग और इसकी गुंजाइश बिल्कुल मौजूद नहीं पंजाब लाइन्स के पास काजिम की ए, फुल टॉस डिलीवरी इसको सिर्फ प्यार से खेले सिर्फ टाइम किया ऐसा लगता है ये कैच था और फील्डर डाइव करके इसको रोकना चाहिए था लेकिन काजिम ने भी गुस्से का इजहार किया इस तरह ये बाउंड्री मिली है इमरान अली ऑफ द मार्क हुए हैं इस चौके के साथ अगेन ब्रिलियंट डिलीवरी परफेक्ट डिलीवरी फ्रॉम काजिम शाह और इस डिलीवरी के बाद इनका एक ओवर बेहतरीन ओवर अपने इख्ताम को पहुंचा छह ओवर के बाद इक्तीस पे तीन प्ले का अख्ताम हो चुका और कुछ खातर खा कारदगी नहीं रही इस्लामाबाद हॉक्स की जानब से स्टार्ट में ये लग रहा था कि बड़ी आसानी के साथ ये टारगेट अचीव हो जाएगा लेकिन अब मुश्किल लग रही हैं अरसल शेख और अली विकेट पे मौजूद नदीम खान इस वक्त एक और स्पिनर को डिप्लॉय किया गया है देखते दे हैं नदीम खान कैसी बॉलिंग करवाते हैं इस्लामाबाद हॉक्स मुश्किल का शिकार ये गेंद कुछ समझ नहीं आई आसिफ लेकिन फिर भी नुकसान नहीं हुआ अरसल शेख ने पाकिस्तान अंडर 19 की भी नुमाइंदगी की हुई है और फर्स्ट क्लास के भी छह मैचेस खेल रखे हैं यहाँ पर उनके पास तजर्बा ज़रूर मौजूद है देखना ये कि वो नदीम खान का सामना कैसे करते हैं हमने देखा कि पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे जो बाउंड्री मिली थी अगर आप सीधे बल्ले से बैटिंग करेंगे कोशिश करेंगे सिंगल करें अ बॉल चाहिए यहाँ पर ये फुल टॉस डिलीवरी और इसको खेला कवर्स की जाने अरसल टाइम ले रहे हैं लेकिन अरसल को यहाँ पर सिंगल्स भी निकालने होंगे सिंगल्स की ज़रूरत है उनकी टीम को बाउंड्रीज की ज़रूरत नहीं है और एक एंड से वो विकेट रोक रहे हैं दूसरे एंड पे थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है दो रन बनाए रखे हैं अभी तक आठ गेंदों पर अरसल शेख ने नदीम खान फ्लाइट डिलीवरी और इस बार प्लेस किया इसको कवर के ऊपर फील्ड मौजूद एक रन मिलेगा और लग ही रहा है कि हमारी बातें सुन रहे हैं अरसल शेख एकदम से उन्होंने रन लिया और ऑफ स्ट्राइक हुए इमरान अली पे भी जिम्मेदारी है यहाँ पर अपनी टीम को सहारा देना होगा रन इतना ज़्यादा नहीं है फाइव पॉइंट सेवन एट की रिक्वायर्ड रन रेट है अभी तक वो जस्ट अंडर फाइव खेल रहे हैं जैसे गुड डिलीवरी बैट्स के ऊपर बॉल था इसको धकेला इसके अलग के ऊपर कासिम शाह भागते हुए गए एक रन का इजाफा होगा अब देखना ये कि पंजाब लायंस के शेर किस तरह धारते हैं यहाँ पर इस्लामाबाद हॉक्स के खिलाफ पोजीशन ठीक है तीन विकेट्स हासिल कर लिए हैं पार प्ले का खात्मा हो चुका है फ्लाइटेड डिलीवरी इसको खेल दिया एक्स्ट्रा कवर के रीजन में फील्डर वहाँ पर मौजूद थे मैच बन सकता है ये अभी इस्लामाबाद हॉक्स दबाव में ज़रूर हैं जी हाँ ऐसा ही है और मुझे तो लगता है कि ये बैटिंग की जंग नहीं है ये पंजाब लाइन्स की बॉलिंग और इस्लामाबाद हॉक्स की बॉलिंग के दरमियान जंग है जो भी अच्छी बॉलिंग करवाएगा वो ये मैच निक, 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 निकाल सकता है इस्लामाबाद हॉक्स ने तो अच्छी बॉलिंग कर ली और मजमु ज़्यादा नहीं बनाने दिया एक सौ नौ रन अब देखना है कि इस्लामाबाद हॉक्स को किस तरह रिस्ट्रिक्ट करते हैं फ्लाइट है डिलीवरी इसको चेज करने गए थे बीट हो गए डॉट डिलीवरी के साथ अब सात ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ इस्लामाबाद हॉक चौंतीस पर तीन शाहरुख चंद आए हैं बॉलिंग के लिए और राइट हम ऑफ स्पिन बॉलर आज बैटिंग में कुछ ज़्यादा जोहर नहीं दिखा पाए थे पहले मैच में बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी दो के मैच फिनिश नहीं कर पाया खुद भी आ, खुश नहीं थे आज मैच से पहले शाहरुख के साथ बातचीत हुई तो वो बता रहे थे कि मेरे जो वालद मोहतरम हैं अमानत चंद वो बहुत खुश होते हैं और वो मेरे लिए बहुत दुआ करते हैं कि मैं क्रिकेट के इस उफक पर छा जाऊं जी हाँ और पहले मैच में ये छाए रहे बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी इस मैच में बैटिंग तो अच्छी ना कर सके लेकिन उम्मीद की जा सकती है जिस तरह का बिहेव देखा जा रहा है विकेट की जानेब से कि अच्छी बॉलिंग करवा सकते हैं और टॉवल का इस्तेमाल भी अब किया जा रहा है शबनम के कतरे तंग जरूर करेंगे बॉलर्स को इमरान अली स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद फ्लैट डिलीवरी जो सी फुल टॉस बना उस कैपिटलाइज नहीं किया रन मिलेगा एक सो so, अभी तक दो गेंदों पे दो रन कंसीड कर चुके हैं शाहरुख अली और शाहरुख अली चंद को डॉस बॉल करवानी होगी प्रेशर बिल्ड करना होगा जिस तरह उनसे पहले बॉलर्स ने प्रेशर बिल्ड किया था और अगर सिंगल्स लगते रहे तो ज़्यादा रन नहीं हैं डिफेंड करने के लिए शाहरुख चंद और उनकी टीम के लिए अगेन डेट्स अ गुड डिलीवरी डेट्स अ परफेक्ट लाइन एक अच्छा गेंद हमें देखने को मिला और जिस तरह हम बात कर रहे थे डॉट डिलीवरीज रिक्वायर्ड हैं प्रेशर बिल्ड करना होगा और उससे प्रेशर बिल्ड करने के बाद विकेट लेनी होगी और हरसल शेख इस बार एरियल रूट कमाल का छक्का लगाने में कामयाब मिड विकेट बाउंड्री से बाहर एक बुलंदोबाला छक्का अरसल शेख का ये गेंद इस दफ़ा फ्लाइट की थी और इसको राह दिखाई लॉन्ग ऑन के बिल्कुल सामने से और ये कैच गिरा बैठे कैच नहीं पच्चीस हज़ार गिरा बैठे जो कि क्रिकेटर ने यहाँ पर तमाशाइयों के लिए एक ज़बरदस्त ऑफर रखी है इनाम का सिलसिला है इनाम की बारिश है जहाँ चौके छौकों की बारिश होगी वहाँ पर इनामाद की भी बारिश होगी आप ग्राउंड का रुख कीजिए और फिर आप बाउंड्री के बाहर कैच थामिए फिर आप पच्चीस हज़ार कैश घर ले जाइए अमानत चंद के बेटे शाहरुख चंद इस वक्त अपनी बॉलिंग जारी रखे हुए अच्छा कम किया अरसल राह देख रहे थे कि इसको सॉफ्ट हैंड से खेल कर सिंगल ले लें अच्छी सोच है ये कप्तान अरसल शेख आज टॉस जीत कर पहले फील्डिंग का फैसला किया था और इस पिच में फील्ड बॉलर्स के लिए ज्यादा मदद मौजूद है आठ ओवर्स के बाद इस्लामाबाद हॉक्स बयालीस तीन विकेट के नुकसान पर और सैयद इसरार नसीरुल्ला कुछ ना कर पाए जैन ने ग्यारह रन बनाए अरसल शेख जब तक मौजूद रहेंगे इस्लामाबाद हॉक्स की उम्मीदें बहाल रहेंगी बयालीस रन तीन विकेट के नुकसान पर इमरान अली अब सामना करेंगे नदीम खान का स्लिप में कप्तान काजिम शाह ख़ुद मौजूद हैं गेंद गिरने के बाद स्पिन देखने को मिला बहुत मुश्किल हो गया यहाँ पर बैटर्स के लिए इमरान अली मुस्कुरा रहे हैं जी हाँ दुरुस्त आपने आज की विकेट बॉलिंग साजगार है अभी तक जो इसका रवैया है ये भी अच्छा गेंद था और थोड़ा सा अनइवन भी है कभी बॉल बहुत ज़्यादा बाउंस हो जाता है और बड़ी बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दो रन चुराने में कामयाब हुए इमरान अली और अरसद शेख बॉल बॉन्स भी होता है बॉल बैट भी जाता है सो थोड़ा सा मुश्किल विकेट है आज बैटर्स के लिए साजगार नहीं है विकेट पिछले दो दिन हमने देखा कि यहाँ पर हाई स्कोरिंग गेम्स देखने को मिली दो तो सौ पैंतालीस रन भी सेव नहीं कर सकी और दोनों बॉलिंग्स बड़ी सुपरस्टार थी वो पिच दूसरी थी आज ये तीसरा मैच है इस पिच पर ये पहला मैच है और डाउन द लेग साइड ये प्रॉब्लम रहेगी जब आप uh, गेंद जो है वो अच्छी लेंथ पर नहीं गिराएंगे एक्स्ट्रा के रन पहले ही बोर्ड पर रन्स कम हैं बहुत ही नफी तुली बॉलिंग करनी होगी यहाँ पर uh, पंजाब लाइन्स को जी हाँ फ्लाइट डिलीवरी कदमों का इस्तेमाल किया था और कोई रन नहीं बना पाए अच्छी फील्डिंग का मुजाह शाहरुख खान की जानब से कंफर्टेबल नज़र आ रहे हैं इस वक्त विकेट पे अरसल शेख और इमरान अली जिन्होंने कुछ ही देर पहले अरसल शेख को ज्वाइन किया लेकिन रन्स बना रहे हैं फ्लाइट डिलीवरी और उड़ता हुआ शॉट कैच हुआ ड्रॉप कैचेस विन मैचेस और इस तरह की गलती की गुंजाइश नहीं पंजाब लाइन्स की टीम के पास फारूक क्या कर दिया कदरदान ये एक आसान कैच था इसको थाम लेते मैच में वापस रहते लेकिन कैच थामने के बाद गिरा दिया जब तो डाइव करते हैं फ्रंट पे तो अपने आप को संभालना गेंद को संभालना बड़ा मुश्किल होता है लेकिन जो अच्छे फील्डर्स होते हैं वो अपना बैलेंस बरकरार रखते हैं ऐसा लगता है ये कैच नहीं मैच गिरा दिया है। हैसनैन लियाकत जी हाँ सही है प्रेशर आ जाता और जब भी विकेट गिरता है उसके बाद रन्स की रफ़्तार कम होती है और उसका फ़ायदा यकीनी तौर पे बॉलिंग टीम को होता है मैच क्लोज से क्लोज़ जाएगा तो पंजाब लाइन्स को फ़ायदा कदम में गए थे इसको खेला इस वक्त फील्ड मौजूद एक ही रन पर इतफा करना होगा दोनों बल्लेबाजों को अब जबकि इमरान अली को एक मौका मिल गया है तो इस मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहिए एक नई जिंदगी मिली उनको और इमरान असल शेख की हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने नाइनटीन को रिप्रेजेंट किया फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेले हैं अगर इसी हमत अमली को अपनाए रखा कि सिंगल डबल और फिर लूज़ डिलीवरी के ऊपर बाउंड्री फतह के करीब जा सकते हैं नौ ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ उनचास तीन विकेट के नुकसान पर उबैद शाह ने तीन ओवर मुकम्मल कर लिए हैं एक ओवर बाकी है काजिम शाह का भी एक ओवर बाकी है दोनों ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहिरा किया दो विकेट्स हासिल कि सिर्फ बारह रन देकर काजिम ने नदीम खान ने भी अच्छी आ, बॉलिंग का मुजाहरा किया यहाँ पर तो इस तरह अब इस्लामाबाद हॉक्स इस, इस वक्त एक सौ नौ रन के ताकुब में अपने तीन विकेट्स गुमा चुके हैं जी हाँ आसिफ और अच्छी हमत हिक, हम कहा जा सकता है सिंगल डबल और कोई बैट डि, डिलीवरी मिलती है तो उस पर बाउंड्री भी लगाते हैं और जो एक्सपीरियंस मौजूद है अरसल शेख के पास जिस तरह आपने जिक्र किया अंडर नाइनटीन खेले हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है तो उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हुए इस वक्त और इनकी एक्सपीरियंस का ही फ़ायदा होगा इनकी टीम को बॉलिंग में तब्दीली अली हसन बॉलिंग के लिए आए आने से पहले ही अपना रन अप मिस कर गए अली हसन को भी बहुत ही नपी तुली बॉलिंग करनी होगी कोशिश यही करनी है कि यहाँ पर रन्स बचाने के लिए जाएँ और बैटर्स मुश्किल में ज़रूर हैं ये कंडीशंस ये पिच इस वक्त बॉलर्स को भरपूर मदद कर रही है बिल्कुल दुरुस्त अगेन इंटेलिजेंट बैटिंग बेहतरीन बैटिंग और कमाल का सिंगल और इस सिंगल के साथ ही 50 रन मुकम्मल हुए इस्लामाबाद हॉक्स की टीम के नो अशारिया एक ओवर का खेल मुकम्मल और 50 अप ऑन द बोर्ड फॉर इस्लामाबाद हॉक्स देखना ये कि दायरे में कितने फील्डर लिए हुए हैं किस हमत अमली के साथ काजम शाह जो है वो चाहते हैं कि सिंगल्स भी बचें अगर दायरे में पांच फील्डर्स हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो खुलकर नहीं खेलने देंगे वो ये चाहेंगे कि बैटर्स जो हैं वो बाउंड्री के लिए जाएं सिंगल रोकने होंगे ऊंचा खेले इस दफा इसको लेकिन कैच गिरा दिया ये क्या हो रहा है यहां रावल पिंडी के नेशनल आयु पार्क में अली हसन भी इसको हजम नहीं कर पा रहे तो ये एक और कैच गिराया है पंजाब के शेरों ने जो कि आज बैटिंग में मुश्किल में थे अब ये मौका मिला है कि एक आसान कैच ये थाम लेते और ये कोई और नहीं ये शेरों के कप्तान काजिम शाह थे जी हाँ काजिम शाह गलती करते हुए और कप्तान को गलती नहीं करनी चाहिए कप्तान मिसाल होते हैं टीम के लिए और जब कप्तान गलती करेंगे तो फिर टीम के लिए कम करना मुश्किल होगा अली हसन इस बार जोरदार अंदाज में खेला है फील्डर मौजूद लेकिन उनके लिए कोई मौका नहीं बॉल पलक झपकते ही बॉडी लाइन क्रॉस कर गई शानदार शॉट जब आप कैच गिराएंगे बैटर्स को मौके देंगे उनका एतमाद बढ़ जाएगा और ऐसी गेंद जो कि ओवर पिच थी दफ़ा इसको ये देखते हुए कि एक्स्ट्रा कोर में फील्डर मौजूद नहीं है खेल दिया चार रन हासिल किए यहाँ पर अब रनस बनाने होंगे दसवें ओवर का खेल जारी है अकलमंदी का मुजाहरा एक बाउंड्री के बाद अब सिंगल और दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन ये इसहाक नहीं है ये अरसल हैं याद रहे अरसल ने इसहाक नामी खिलाड़ी की जर्सी पहनी हुई है जी हाँ अरसल को हम काफ़ी देर से डिस्कस कर रहे हैं अरसल शेख और बड़ा ज़बरदस्त एंकर रोल प्ले कर रहे हैं उनके माइंड में स्ट्रेटजी है कि मैंने विकेट पे रहना है और दूसरे एंड पे अली मौजूद हैं उनसे बड़ी हिट्स लगवाते हुए अली हसन ये गेंद अच्छा था और अच्छे गेंद को रिस्पेक्ट देते हैं अरसल इनकी क्वालिटी है यहाँ पर ज़रा सी भी ग़लती की तो पिच जो है वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रही बैटर्स के लिए अगर आप कैच थमा देंगे इमरान ने पूरी कोशिश की कि वो आउट हों लेकिन पंजाब के शेरों ने ठान ली है कि वो आज उनको आउट नहीं करना चाह रहे हैं जी हाँ के आसिफ दुरुस्त का आपने पंजाब के शेर दो चांसेस दे चुके हैं इससे पहले भी ये कैच ड्रॉप हुआ था अगेन ये गेंद अच्छा था और इस गेंद पे बिल्कुल रन नहीं बनना चाहिए यासिर खान मौजूद थे कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी करते हैं दस ओवर के अख्ताम पर

नदीम खान अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे यह तो बहुत ही आसान गेंद थी और इसको खेला है मिड विकेट की जानेब यासिर खान वहाँ पर मौजूद थे एक रन हासिल कर लिया ये नदीम क्या करना चाहते तो बहुत ही मजाही बात है कि अंपायर डेड कर चुके थे इस गेंद को और उसके बाद आ, बैटर जो हैं वो पिच के वस्त्र में चले गए पिच के ऊपर और इस वक्त बातचीत जारी है अरसल शेख की ये जो रन आउट किया और अभी भी कप्तान काजिम शाह अंपायर से मुकालमा जारी रखे हुए हैं ये रन आउट की अपील बिल्कुल भी समझ से बाला तर थी और अम्पाहर ने अम्, काजिम शाह जो कि कप्तान हैं उनको पीछे भेज दिया इसी दौरान मुझे कमेंट्री बॉक्स में ज्वाइन कर चुके हैं एक उभरते हुए नौजवान कमेंटेटर, ज़ुबैर अब्बासी ज़ुबैर वेलकम करते हैं आपको शुक्रिया के आसिफ साहिब आपकी मोहब्बत आपके प्यार का और इस वक्त यहाँ पर एक और अच्छा बॉल यहाँ पर करने में कामयाब रहे हैं नतीम खान चौवन रन मजीद चाहिए इस्लामाबाद फिफ्टी थ्री सॉरी यू फिफ्टी थ्री चाहिए जीतने के लिए ओ, अच्छा यहां पर बॉल था शॉट यहां पर खेली और सिर्फ एक रन का यहां पर इजाफा एक रन का यहां पर इजाफा हो चुका मारखो रमजान कप 2023 लो स्कोरिंग मैच लेकिन इस वक्त अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिल रही है नौ शहर या तीन ओवर्स का खेल मज़ीद बाकी है तिरपन रन यहाँ पर मजीद बनाने हैं इस्लामाबाद हॉक्स को सात विकेट इनके हाथ में कदमों का इस्तेमाल किया था और अच्छा यहाँ पर बॉल करने में कामयाब रहे नदीम खान चार बाले अपनी कंप्लीट कर चुके हैं आसिफ ये मैच इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला अगर यहाँ पर और इस बार यहां पर शॉट खेला अच्छा शॉट है फील्डर वहां पर मौजूद हैं और यहां पर मिलेंगे पर चार यहां पर मिले अ गुड शॉट ये एक दफा फिर फ्लाइटिंग डिलीवरी थी शाहरुख चंद ने इस गेंद को रोकने की कोशिश की और नाकाम रहे इस तरह ये चार रन मिल गए इमरान अली पीछे हटकर खेले थे सिर्फ गेंद फेंक रहे हैं तो उसमें कोई पेस नहीं है और बहुत मुश्किल से बैटर तक पहुंच रही है गेंद <laughs> इस, इस दफ़ा नदीम की डॉट डिलीवरी के साथ 11 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है और इकसठ रन बना लिए हैं इस्लामाबाद हॉक्स तीन विकेट के नुकसान पर उनचास रन दरकार हैं ये मैच जीतने को नौ ओवर्स में बज़ाहिर तो आसान लग रही है लेकिन पिच बॉलर्स के लिए बहुत ही साजगार बहुत ही मदद यहाँ पर असल शेख इमरान इस मैच में उनको एक नई जिंदगी मिली है पहला बॉल और लेग स्टंप से ये खासा बाहर था अंपायर का सिग्नल वाइड बॉल दैट्स नॉट तो अ गुड लाइन अब 48 बाकी रहता है क्या सिर्फ यहां पर ये मैच जिस तरह इस मैच का आगाज हुआ था जादरान ने आधे साथ ही विकटें ली थी यहां पर इनकी भी तीन विकटें गिर चुकी हैं तो प्रेशर इन पर भी है लेकिन पार्टनरशिप बहुत अच्छी हो गई है दोनों बैटर्स के दरमियान पार्टनरशिप्स बहुत जरूरी होती हैं खास तौर पर जब विकेट्स जल्दी गिर रही हों आप संभल कर खेलें अली हसन और इस दफा इस गेंद को फाइन लेग की जानब खेला था फुल टॉस डिलीवरी थी एक रन हसार आसानी से हासिल कर लिया जय एक रन का यहाँ पर इजाफा हो चुका हूँ और इस वक्त इमरान अली और अरसल शेख इस वक्त बड़ा अच्छा खेल रहे हैं बड़ा शानदार खेल रहे हैं अपनी टीम इस्लामाबाद हॉक्स के लिए स्किपर अरसल शेख अच्छा यहां पर साथ दे रहे हैं इमरान अली का अली हसन अच्छा यहाँ पर बॉल किया था विकेट बेहतरीन डिलीवरी थी ये सिंगल्स रोकने होंगे क्योंकि सिंगल्स ही रिक्वायर हैं यहां पर तब्दील हो सकती है कि पांच की बजाय छह फील्डर्स को सर्कल में ले आएँ और कोशिश ये करें कि बैटर्स बड़े हिट लगाने के चक्कर में अपनी विकेट गंवा दें काज शाह कैच गिरा दिया था इमरान का अली हसन जो के अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं भरपूर कोशिश की कि एक विकेट हासिल कर लें यहाँ पे इस पार्टनरशिप को ब्रेक करना बहुत जरूरी That's a good delivery. एक और अच्छा बॉल इस सफर में और इस बार डॉट डिलीवरी लाइन और लेंथ बेहतरीन है हमने देखा था कि इस्लामाबाद हॉक्स इस्लामाबाद हॉक्स के बॉलर्स ने लाइन और लेंथ जो है उसके ऊपर काबू रखा था तो इस पिच के ऊपर ये वो लाइन और लेंथ है और जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि फील्डर्स को जो है वो क्लोज कर लें सर्कल में कर लें और बैटर के पास सिर्फ एक मौका हो कि वो बाउंड्री के लिए जाए और जब बाउंड्री के लिए जाएंगे तो विकेट हासिल होगी अब ये मैच बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर चुका है छियालीस रन दरकार हैं और पंजाब लाइन्स को ये मार्का मारना है पहले मैच में हार गए थे अब इस मैच में पोजिशन ठीक है उनकी अरसल शेख के पास स्ट्राइक है दो बॉलें इस की बाकी हैं और इस बार आर्यन साइड हुआ था और गेंद के साथ लगी पहले बल्ले के साथ फिर उसके बाद पैड के साथ बॉल टकराया और गेंद क्या यहाँ पर फील्डर के महफूज हाथों में सिर्फ एक रन का यहाँ पर इजाफा यार अब तक अच्छा है अली हसन का मार्को रमज़ान कप 2023 एक ज़बरदस्त और शानदार ये टूर्नामेंट रंगारंग ये क्रिकेट मेला मारखो रमदान कप सीजन टू आज तीसरा मैच है पंजाब लाइन्स अपना दूसरा मैच खेल रही है पहले मैच में शिकस्त हुई थी ऊंचा खेले ऊंचा खेले अब देखना है कि अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं है और ये गलती कर दी ये कोई और नहीं कप्तान काजम मेहरबान कदरदान, ये क्या कर दिया आपने अपने पाओं पर खुद कुल्हाड़ी मारी कि आसिफ ये कैच ड्रॉप करके और ये रिप्ले में आप देख सकेंगे कि के बॉल काफी देर हवा में रहा और कैच यहाँ पर ड्रॉप कर दिया ये एफर्ट अच्छी थी लेकिन ये कैच लेना चाहिए था हर हाल में ये कैच लेना चाहिए था विकेट की यहाँ पर जरूरत थी बारह ओवर से खेल मुकम्मल हुआ सड़सठ पर तीन अरसल शेख को ये बात समझानी है अली को कि सिंगल डबल की तरफ तोज्जो दें अभी भी तैंतालीस रन दरकार हैं ये मैच जीतने के लिए आठ ओवर्स में जहाँ पर गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है और ये जो अकब में आपको शायक क्रिकेट नज़र आ रहे हैं ये इंतज़ार कर रहे हैं कि चौका छक्का लग जाए और जैसे ही छक्का लगेगा गेंद बाहर जाएगी क्रिकेटर की जानी से पच्चीस हजार रुपए अपने घर ले जाएंगे अगर ये कैच थाम लेते हैं और ऐसा लगता है कि इस गेंद के के बाद पंजाब खिलाड़ी तो कैच नहीं थाम पा रहे अगर क्राउड में ये गेंद गई और वो कैच थाम लेंगे तो फिर ये बड़ी शर्मिंदगी होगी पंजाब लाइन्स के खिलाड़ियों के लिए हाँ, 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 पच्चीस हजार रुपए शायक क्रिकेट तो यकीनी तौर पर खुश होंगे कि बाल बाउंड्री लाइन से बाहर आए लेकिन इस वक्त पंजाब लाइन्स के जो बॉलर हैं नदीम खान उनकी कोशिश होगी कि डॉट डिलीवरी की जाए और कामयाबी हासिल की जाए इमरान अली पीछे हटकर इसको खेले और शाहरुख चंद वहाँ पर मौजूद थे ये डॉट डिलीवरी नदीम खान ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है बैटर्स को दावत दी है कि वो ऊंचे शॉट खेलने की कोशिश करें और तो उसी में गलती कर बैठे एक दफा फिर इमरान ने कदमों का इस्तेमाल किया और एक और कैच गिरा दिया ये इस दफा फील्डर के हाथों से टकराने के बाद यह गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर और इमरान ऊंचा शॉट खेलने से बाज नहीं आ रहे पंजाब लाइंस के फील्डर्स कैच गिराने से बाज नहीं आ रहे बिल्कुल ऐसे है गलतियों पे गलतियां इस वक्त डबो देंगे इनकी कश्ती को और ये मैच इनके हाथ से निकलता हुआ जा रहा है दैट्स नॉट अ गुड फील्डिंग जी हाँ छत्तीस रन दरकार है इमरान अली तीस के इनफराधी स्कोर पर मौजूद हैं बाईस गेंदों का सामना किया है एक और डिलीवरी इस दफा इमरान अली इसको सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए और ये शाहरुख चंद बता रहे हैं कि गेंद को थामना मुश्किल है आसान नहीं है क्योंकि ड्यू है तो गेंद बार बार गीली हो रही है दुरुस्क अपने के आसिफ साहिब और यहां पर इमरान अली स्ट्राइक पर मौजूद हैं। एक और बॉल करने के लिए तैयार इस बार यहां पर फुल टॉस की बॉल था और फील्डर वहां पर कोई भी मौजूद मौजूद है जी फील्डर हैं <laughs> जैसे बॉल स्लो स्लो गया ऐसे फील्डर भी स्लो आया। नदीम खान करना क्या चाह रहे हैं की बहुत ही ये सुस्त रफ्तार थी इस गेंद की और इसको बहुत ही मुश्किल से स्वीप किया इमरान अली ने अब बत्तीस रन पर नॉट आउट है अब 34 रन दरकार है इस्लामाबाद हॉक्स को एक दफा फिर कदमों का इस्तेमाल एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बहुत बड़ा गैप यहां पर दोनों फील्डर्स के दरमियान से गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर चली गई चार रन इसके साथ ही तेरह ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ इस्लामाबाद हॉक्स ये देखिए कदमों का इस्तेमाल किया था वो ये गैप तलाश कर लिया अस्सी तीन विकेट के नुकसान पर अरसल शेख अब कुछ मुतमईन लग रहे हैं तीस रन दरकार हैं यह मुकाबला जीतने के लिए मारखोड़ रमदान कप सीजन टू रावल पिंडी के अयूब नेशनल पार्क क्रिकेट ग्राउंड में यह रंग मेला जारी है आज तीसरा मैच है इस पिच के ऊपर बैटर्स के लिए ज्यादा मदद मौजूद नहीं अच्छी गेंद शाहरुख की शाहरुख चंद शाहरुख अली चंद जिन्होंने पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म किया था अपनी टीम के लिए लेकिन आज बैटिंग में इन्होंने खास परफॉर्मेंस नहीं थी और इससे पहले उन्होंने एक ओवर किया और उस ओवर में उन्होंने आठ रन दिए थे और पहला बॉल यहाँ पर रहे। वो डॉट बॉल करने में कामयाब रहे अरसल शेख जो टीम के कप्तान हैं सताईस गेंदें इन्होंने खेली हैं और सत्रह रन ये बनाने में कामयाब हुए हैं इस बार यहाँ पर अच्छा शॉट जोरदार शॉट डाउन ट्रैक यहाँ पर डाउन द ग्राउंड खेला से बाहर चला गया वाह अ शॉट ये शाहरुख की ये कदरे तेज गेंद थी लेकिन इसको शाहरुख के सर के ऊपर से ही खेल दिया और फिर चार रन हासिल कर लिए टाइमिंग बहुत अच्छी थी इस दफा अरसल की कोई गलती नहीं की शाहरुख चैन गेंद को खुश कर रहे हैं और साथ साथ तो अपना सर भी हिला रहे हैं कि ये मैं क्या कर बैठा ये गलतियां बहुत दूर ले जाएंगी पंजाब लाइन्स को एक बार फिर से उठाकर खेला इस बार और गेंद यहां पर गई बाउंड्री लाइन से बाहर छह रन के लिए के एक कड़ाकेदार छक्का अरसल शेख का जी हां अरसल शेख इंतजार कर रहे थे मौके की तलाश में थे कि थोड़ी सी फ्लाइट मिले और इस गेंद को दिखा दें बाउंड्री के बाहर लॉन्ग ऑन से बाहर इस दफा खेला टाइमिंग पहले से भी बेहतर इस तरह अरसल अब पहुंच गए 27 पर अब उन्नीस रन दरकार हैं ये मैच जीतने के लिए इस्लामाबाद हॉक्स को और फिर अब शाहरुख खान के लिए मुश्किल शाहरुख चंद के लिए मुश्किल बढ़ चुकी हैं <laughs> शाहरुख खान के आसिफ भाई ने यहाँ पर शाहरुख अली चंद तीन बॉलों पर ये दस रन दे चुके हैं दैट्स नॉट गुड बॉलिंग बॉलिंग ये अच्छी नहीं है एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे किस तरह की बैटिंग होगी सफर में और इस बार यहां पर कट करना चाह रहे थे खेला कहाँ गई कहा एक रन का यहां पर इजाफा हो चुका अब उन्नीस रन मजीद चाहिए ये मैच जीतने के लिए इस्लामाबाद हॉक्स की टीम को बहुत अच्छी पार्टनरशिप इमरान अली और अरसल शेख मौाक मिलते रहे दोनों बैटर्स को और उसका भरपूर फायदा उठाया की दूरी पर है इस्लामाबाद हॉक्स की टीम एक दफा फिर सॉफ्ट हैंड से खेले कल एक बहुत बड़ा मैच है इस मारखोड़ रमदान कप का और यहां पर कल काफी स्टार्स आपको एक्शन में नजर आएंगे यासिर शाह सुहेब मकसूद सुहेल तनवीर मोहम्मद आमिर साजिद ख़ान इमरान ख़ान सीनियर साहिब ज्यादा फरहान कल यहाँ पर एक्शन में होंगे बहुत ही तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा रावलपिंडी और इस्लामाबाद की टीम्स के दरमियान ये मुकाबला है जी हाँ कल का जो दिन है वो ब्लॉक डे है और थ्रिलिंग क्रिकेट होगी नेशनल आयू पार्क रावल में ओवर का आखिरी यहां पर बॉल कदमों का इस्तेमाल उठाकर यहां पर खेले लेकिन गेंद यहां पर गई फील्डर के महफूज हाथों में वो कैच, और आखिरकार शाहरुख अली चंद विकेट लेने में कामयाब इमरान अली की ये इस दफा कदमों का इस्तेमाल किया था और शुक्र का कलमा अदा किया होगा पंजाब लाइन्स के कप्तान ने क्योंकि वो खुद भी दो कैचेस गिरा चुके हैं कि कैच हो गया इमरान अली 36 रन बनाए 26 गेंदों का सामना किया इक्यानवे चार विकेटों के नुकसान पर काजिम शाह बॉलिंग के लिए आए हैं कप्तान पंजाब लॉइंस के आज हमारी फरत इस आ, मैच में नहीं है हमारी नफरत सबका टेस्ट क्रिकेटर आ, क, कप्तानी कर रहे हैं पंजाब लॉइंस की लेकिन आज वो इस मैच में मौजूद नहीं काजिम शाह ने दो विकेट्स हासिल की लेकिन दो कैचेस भी गिराए अगर पंजाब लॉइंस ये मैच हारती है तो उसकी जिम्मेदारी फिर काजिम शाह के ऊपर भी आएगी शॉट यहाँ पर खेला कवर पर और एक रन का यहाँ पर इजाफा दौलत ज़ादरान आ चुके हैं यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए और दौलत ज़ादरान ये अफ़गानिस्तान के शहर पख्तिया में पैदा हुए बड़ा अच्छा इनका कैरियर अफगानिस्तान के लिए और टी में दौलत ज़ादरान का जो हाई स्कोर है वो तेरह है और ये ऐसा बॉलर खेलते थे अफगानिस्तान क्रिकेट टीम में और यहाँ पर अठारह रन मजीद चाहिए ये मैच जीतने के लिए दैट्स अ गुड डिलीवरी ये अच्छी लाइन थी काजिम शाह की जानब से काजिम शाह ने आज बड़ी अच्छी बॉलिंग की है आसिफ क्या समझते हैं कि कहाँ गलतियाँ की आज पंजाब लाइन्स ने देखिए पंजाब लाइन्स ने जहाँ कैचेस गिरा दिए वहाँ मैच गिरा दिया तो आप ने सिर्फ एक सौ नौ रन बना रखे हैं और उसके बाद अगर आप इस तरह की गलतियाँ करेंगे कैचेस गिरा देंगे तो फिर फतह आपसे दूर जाती जाएगी डाउन द लेग साइड विकेट कीपर अच्छा कलेक्ट कर गए शावेज इरफान वाइट बॉल की यहाँ पर कॉल अंपायर की जानब से और ये वो विकेट गिरी इमरान अली आउट होने वाले बैट्समैन थे अच्छा कैच किया यहाँ पर फील्डर ने फुल टॉस बॉल और रिहायत ही उमदा शॉट लेकिन गेंद फील्डर के हाथ में ये फुल टॉस बॉल अगर किया सिर्फ आपको मिलता देखिए फुल टॉस गेंद जूसी फुल टॉस तो आप अपनी मर्जी से जहां मर्जी खेल दें और, और एज अरसल शेख लकी रहे तो यहां पर रन्स मिल जाएंगे गेंद रिंगती हुई बाउंड्री लाइन से टकरा गई चार रन्स के लिए जब किस्मत की देवी आप पर मेहरबान ना हो किस्मत आपके साथ ना हो तो फिर इस तरह के वाक़ होते बॉल अच्छा था फ्लाइट डिलीवरी थी बड़े शॉट के लिए जा रहे थे और गेंद थे यहाँ पर थर्ड मैन की बाउंड्री से बाहर चला गया चार रन के लिए एक और यहाँ पर बाउंड्री मिली इस्लामाबाद हॉक्स को इस बार अरसल शेख कट करना चाह रहे थे इस बॉल को टॉस डिलीवरी मिली यहाँ पर काजिम शाह को अरसल शेख ने तैंतीस रन बना लिए हैं और सौ के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा किया है फुल टॉस डिलीवरी फ्लाइट दिया था आउटसाइड एज और मैन की जानवी गेंद गई एक रन हासिल कर लिया स्कोर हो गया पंद्रह ओवर का खेल मुकम्मल स्कोर निन्यानवे चार विकेट के नुकसान पर एक विकेट लेने में कामयाब हुए लेकिन रन्स इतने बोर्ड पे नहीं लगाए थे इस वजह से डिफेंड करने में कामयाब लगता ही है कि नहीं हो पाएंगे जिस तरह की सिचुएशन है इस वक्त इस्लामाबाद हॉक्स का पलड़ा बारी है पंजाब लायल्स ने कोशिश ज़रूर की लेकिन अरसल शेख टिके रहे और अब देखें वो अपना स्ट्राइक रेट भी बेहतर कर चुके हैं चौंतीस गेंदें खेली हैं चौंतीस रनस बनाए हैं और अफ़गानिस्तान के स्टार बॉलर दौलत जादरान भी विकेट पे मौजूद हैं और ये इस लीग की कामयाबी है कि इंटरनेशनल स्टार्स इसमें खेल रहे हैं और दौलत ज़्यादा का ताल्लुक क्योंकि अफगानिस्तान से है तो ये तो आप ओवरसीज़ प्लेयर्स भी कह सकते हैं कि इस लीग का हिस्सा हैं अदनान अली आए हैं इस वक्त सोलह ओवर लेके थोड़ा सा फंबल हुए आई थिंक रन अप भूले हैं या फिर अंपायर ने रोका है अरसद शेख की तारीफ़ करनी होगी ये भी जी हाँ बड़े ज़बरदस्त और बड़ी शानदार इन्होंने इनिंग्स खेली अब तक और जिम्मेदारी के साथ ये खेलें अपनी टीम को लेके चले चलें इस मैच में और एक लम्हे वे जब शुरू में विकेट्स गिरी थी उसके बाद आके अपनी टीम को संभाला इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है शानदार बल्लेबाजी अदरान अली का पहला बॉल उठाकर यहाँ पर खेले और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चला गया चार रन्स के लिए जी हाँ अरसल शेख को अब जल्दी है मैच खत्म करने की अदनान अली का इस्तकबाल किया इस बाउंड्री के साथ और कंप्लीटली uh, यहाँ पर uh, आप देख सकते हैं कमाल का शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से फील्डर मौजूद नहीं था टाइमिंग प्लेसमेंट परफेक्ट फ्रॉम अरसल शेख अठतीस पे पहुंचे हैं पैंतीस गेंदे खेली हैं और uh, अदनान अली पहली बॉल पे चार रन खा चुके हैं और इस वक्त बड़े करीब है जीत के एंड कंपनी कप्तान ने आज बड़ी कमाल की पारी खेली अपनी टीम के लिए जितनी उसकी तारीफ कम है और अतरान अली पहली बॉल पर उन्होंने बाउंड्री कंसीड की है सात रन मजीद अब चाहिए ये मैच जीतने के लिए ये इनका तजुर्बा खेल रहा है अब सात गेंदे हैं सात रन हैं उनतीस गेंदे हैं और इस वक्त चेक किया जा रहा है अंपायर की जानब से आई थिंक अब देखते हैं अंपायर क्या चेक कर रहे हैं क्या ओवर स्टेपिंग चेक कर रहे हैं अरसल शेख की आपने बात की थी अरसल शेख इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं और ये ना होते तो रन चेज़ इतना आसान ना होता एक्सपीरियंस मौजूद है अंडर 19 का जब अंडर 19 कोई भी प्लेयर खेलता है वो इंटरनेशनल टूर्स भी करता है और अरसल शेख ने आज ये साबित किया कि इनमें पोटेंशल मौजूद है और गेम अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है इनमें गेम अवेयरनेस थी तो इन्होंने सिंगल डबल खेल खेल के यहां तक पहुंचे अदनान अली अगेन ये बॉल अच्छा नहीं था लेकिन अरसल शेख ने चाहा कि सिंगल लगाया जाए और स्ट्राइक दिया जाए दौलत ज़ादरान को छह रन अब मजीद बाकी हैं और दुरुस्त का आपने बड़ा शानदार खेले और गेम अवेयरनेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और हाई क्वालिटी की बैटिंग की है अरसल शेख ने इस मैच में इस्लामाबाद हॉक्स के लिए दौलत जादरान आज ऊपर भेजा गया बैटिंग के लिए और आपको पता है कि बॉलर कोई भी उसे बैटिंग का बड़ा शौक होता है तो छह रन अब बाकी हैं लेट्स इस बॉल पर क्या होता है इस बार यहां पर लॉन्ग द ग्राउंड खेले इस बॉल को एक रन का यहां पर इजाफा पांच बजे बाकी जी हाँ लॉन्ग रन के ऊपर तालिब मौजूद थे जिन्होंने शानदार फील्डिंग का मुजाह किया और अर्सल शेख इनको इनिंग्स को पैक करना चाहिए ख़त्म करना चाहिए एक चक्के की दूरी में है और पांच रन्स बाकी हैं सताईस गेंदों पे दिल्ली बहुत नज़दीक इस्लामाबाद से और दिल्ली बहुत दूर पंजाब से नज़र आते हुए इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही है और ये गेंद खूबसूरती से खेला पलक झपकते ही चार रन मिलेंगे अरसल शेख को और इस चार रन के साथ ही गेम बराबर हो चुकी है और यहाँ पर यह देख सकते हैं आप बड़ा खूबसूरत शॉट था और चार रन यहाँ पर मिले बेहतरीन शॉट था अरसल शेख का तो मैच का जो स्कोर है वो बराबर हो चुका है सिर्फ एक रन की दूरी से ये मैच जीतने के लिए अरसल शेख और उनकी टीम इस्लामाबाद हॉक्स जी हाँ संभल के खेले इस पिच पे और आ, स्टार्ट में हमने देखा कुछ डिलीवरीज़ इन्होंने ली सेट हुए और आ, उसके बाद आप देख ले अब रन रे, आ, स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेटिंग का बहुत बेहतरीन बेहतर हो रहा है बॉल बाई बॉल और अब एक रन चाहिए मैच लेवल हो चुका है इस्लामाबाद पहली जीत के बिल्कुल करीब और नेक्स्टम्प ए बॉल था इसको खेला है ऑन साइड के ऊपर थोड़ा सा फंबल हुए लेकिन मैच अपने नाम करने में कामयाब इस्लामाबाद हॉक्स की टीम कंग्रेचुलेशन्स टू अरसल शेख एंड कंपनी दौलत जादरान भी इस वक्त मुसाफा करते हुए तमाम तर अपोजिशन के खिलाड़ियों से और आज बड़ी बेहतरीन यहां पर क्रिकेट देखने को मिली इट्स ए स्पोर्ट्स इन्फो पाकिस्तान प्रोडक्शन जी यहाँ तारीफ के मुस्तक टीम कप्तान अरसल शेख और अगर बॉलिंग में देखा जाए तो दौलत जादरान एंड कंपनी तारीफ के मुस्क है जिन्होंने रिस्ट्रिक्ट रखा 109 सौ रन तक पंजाब लाइन्स की टीम को और आसानी के साथ ये मैच अपने नाम किया है इस्लामाबाद हॉक्स ने काबले तारीफ बैटिंग और शानदार क्रिकेट इस्लामाबाद हॉक्स की टी टीम की जानब से ब्रिलियंट एंड फैंटेस्टिक बॉलिंग बैटिंग दोनों में कमाल किया जी हाँ इस वक्त मुसाफा करते हुए तमाम तरफ प्लेयर्स और दौलत जादरान को आप देख सकते हैं इनके साथ शावेज़ इरफान दोनों डग की तरफ जाते हुए एक दिलचस्प मैच हुआ अगर 20 से 30 रन ज़्यादा होते तो यकीन ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट रहे क्राउड आप देख सकते हैं कैमरे में अकब पे और ये मुसाफा किया जा रहा है काजिम शाह उस वक्त अपनी टीम को लीड करते हुए डगआउट की तरफ जाते हुए ये बड़ा एक अच्छा साइन होता है इस तरह की क्रिकेट में गेम के बाद मुसाफा किया जाता है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर गले मिलते हुए अंपायर्स के साथ और अंपायरिंग का मैार भी बड़ा अच्छा रहा इस इवेंट में जी हाँ बड़ा ज़बरदस्त और शानदार काम किया आज मैच ऑफिशियल्स ने और इस्लामाबाद हॉक्स को कामयाबी मिली आसानी के साथ उन्होंने ये फ़तह समेटी बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी अच्छी हमें क्रिकेट आज भी देखने को मिली और जी हाँ और बिल्कुल ठीक कह है रहे हैं अयूब नेशनल पार्क से इस वक्त आप ये मनासर देख रहे हैं और कल के दिन भी जेबी बड़े नामी ग्रामी स्टार्स इन एक्शन हैं यासिर शाह सुहेब मकसूद सोल तनवीर मोहम्मद आमिर साजिद खान इमरान खान सीनियर साहिबजादा फरहान हसन बट्टी ये तमाम लोग कल यहाँ पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे ये बैटिंग कार्ड है इस्लामाबाद हॉक्स का और इसमें नुमाया अरसल शेख 43 थ्री रन बनाए सैंतीस गेंदों का सामना किया और इमरान अली सत्ताईस गेंदों का सामना करके छत्तीस रन बनाने में कामयाब हुए और ये टोटल पंद्रह आशारिया चार ओवर्स में मुकम्मल किया इस्लामाबाद ऑक्स ने बड़ी ज़बरदस्त और शानदार क्रिकेट हुई और ये पंजाब लाइन्स की बॉलिंग का कार्ड है और उबैद शाह ने एक विकेट हासिल किया उन्नीस रन जमीन दिए काफ़ी महंगे रहे नदीम खान उनतीस रन जमीन दिए कोई कामयाबी इन्हें नहीं मिली काजिम शाह आते साथ उन्होंने दो विकेट्स अपने नाम जरूर की थी लेकिन उसके बाद कामयाबी ना मिल पाई अली हसन ने दस रन दिए अदरान अली ने दस रन शाहरुख अली ने उन्नीस रन दिए कवर में इन कवर भी काफ़ी एक्सपेंसिव था नौ रन एक्स्ट्रा के दिए पंजाब लाइन्स की टीम ने और आसानी के साथ ये मैच अपने नाम किया इस्लामाबाद हॉक्स ने जी हाँ पंजाब लाइन्स वर्सिस इस्लामाबाद हॉक्स या पर। ग्राफ देख सकते हैं किस इंटरवल पे विकेट्स गिरी हैं और किस तरह ये कंपैरिजन किया गया बड़ा खूबसूरत और टॉप पे आपको नज़र आएंगे यहाँ पर इस्लामाबाद हॉक्स के ग्राफ्स ब्लू कलर्स में रमजान कप 2023 आज एक और शानदार टेक कंप्लीट हुआ जितनी तारीफ की जाए कम है मैनेजमेंट की स्कोरिंग का ट्रेंड भी आप देखें स्टार्ट से ही थोड़ा सा स्टार्ट शेख ही था इस्लामाबाद हॉक्स का उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अरसल शेख की बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत ये ग्राफ आप देख सकते हैं ऊपर गया और विकेट्स कम कमाइएं इस वजह से ये रन आसानी से चेज कर लिया जी हाँ जो पार्टनरशिप लगी थी इमरान अली और अरसल शेख के दरमियान वो मैच विनिंग पार्टनरशिप थी जिसकी बदौलत आसानी के साथ ये मैच अपने नाम किया ये मैच समरी है और पहले खेलते हुए पंजाब लाइन्स ने 109 सौ रन बनाए थे 110 सौ रन का टारगेट दिया था और पंजाब लाइन्स की जानब से नुमायाँ रहे थे सैंतीस रन बनाकर तालिबासिम और इस्लामाबाद हॉक्स की जानब से जवाबी वार में अरसल शेख ने बड़ी शानदार बैटिंग की उनका साथ दिया इमरान अली ने तो ये मैच छः विकेट से अपने नाम किया है इस्लामाबाद हॉक्स ने पहली विक्ट्री मिली है इस टूर्नामेंट में इस्लामाबाद हॉक्स की टीम को एक सौ दस सेकेंड इनिंग्स में चार विकेट्स गवाए इस्लामाबाद हॉक्स की टीम ने और पंद्रह ओवर में यह टारगेट अचीव किया और इस्लामाबाद हॉक्स वन बाय सिक्स विकेट्स ये इस इनिंग्स के आपके सामने फीगर्स ये देख सकते हैं रन्स सबसे टॉप पे आपको असल नज़र आएंगे 44 के साथ इमरान अली प्लेड अ ब्रिलियंट नॉक 36 सिक्स रन बनाए और उसके बाद जेन अच्छे नज़र आ रहे थे 11 रन बनाने में कामयाब हुए और दौलत जादरान जिनको काफ़ी ऊपर भेजा गया और ये देख सकते हैं उबैद काजिम नदीम ने थोड़ा सा ज़्यादा रन दिए और सबसे इकनॉमिकल एक, अगर यहाँ पे फिगर्स हैं तो वो अदनान के लेकिन उन्होंने ओवरकम करवाए आज बड़े स्टैंड आउट रहे काजिम शाह जी हाँ बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी बॉलिंग की काजिम शाह ने अपनी तरफ से उन्होंने हंड्रेड परसेंट एफर्ट दी हंड्रेड परसेंट कोशिश की ये मैच अपने नाम करने की लेकिन कामयाब ना हो पाए ख हुआ और बड़ा खूबसूरत मंजर है यह दिन का अख्ताम हुआ या रात का अख्ताम <laughs> हाँ जी सही कह है रहे हैं आप। यह एक रंगा रंग